हेलो एवरीवन, फाइनली पेपर आपका हो चुका है, पेपर वन। क्या हाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे। पेपर अच्छा था, सिंपल था, मैं ऐसा बोलूँगी। एक दो क्वेश्चंस ऑफ कोर्स ऐसे होते, बट ओवरऑल अगर हमने जो पेपर का एनालिसिस किया है उसमें हमने यही जाना कि पेपर ऐसा था कि जो आप लोग सब आसानी से कर सकते होंगे। ठीक है, आयुष सर ने पहले ही आउट कर दिया था। आयुष सर ने तो बिल्कुल पेपर पहले ही मैथ्स का आउट कर दिया था, और इनफैक्ट हम सब टीचर्स ने भी, मुझे लगता है जो आपको प्रैक्टिस कराई है कहीं ना कहीं उसी में से क्वेश्चन है, बिकॉज मैं इंग्लिश को देख रही थी या CDP के हम देख रहे थे क्वेश्चन, या आपके EVS के हैं या हिंदी के हैं, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं काफ़ी रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी, अब आंसर्स जानने के लिए सेशन को शेयर कर दो। डिस्कशन एनालिसिस अपन सब करते रहेंगे बाद में, बट अभी आपको ये चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो वही आंसर जानने के लिए, आंसर की के आप सबको बताने के लिए, सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर्स बताने के लिए हेलो टीचर्स की टीम आपके सामने यहाँ पे है। सो गाइज बी रेडी, जस्ट अपने नंबर चेक कर लो और 100% आपके नंबर उतने ही आने वाले हैं। आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी जो प्रिपरेशन थी, क्योंकि अगर जो लोग हमसे पढ़े हैं आई एम प्रिटी श्योर कि उनकी प्रिपरेशन बढ़िया हुई और कहीं ना कहीं उसी में से क्वेश्चंस थे, उसके बाहर तो कुछ भी नहीं आया है। सो जस्ट बी रेडी। और मैं आप आयुष सर को बुलाना चाहूंगी कि भाई आयुष सर कुछ एक दो शब्द बोलो और हम फिर फटाफट बच्चों को आंसर्स बोलना शुरू करते हैं। और बोलना क्या है, अब तो यही है कि फटाफट शेयर करो। और एक बार मैं बता देता हूँ सर, देखो भाई हम आंसर कराने की तैयारी। हेलो टीचर्स चैनल पे हम सब डेली पढ़ाते हैं, ये सब आपको पता है। ये मेरा नाम है, अनअकैडमी के ऐप को जाके डाउनलोड कर लो और किसी भी एजुकेटर का कोड लगाओगे तो आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। ठीक, सेकंड पॉइंट कि अभी जो बैचेज है मैं वो बता देता हूँ आपको। जैसे हम सबका, जितने भी यहाँ पे एजुकेटर्स हैं सबका UPTET का बैच है, आप ये भी ले सकते हैं। UPTET का एक बैच और है उसमें भी पढ़ सकते हैं। SuperTET का बैच है जिसमें मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, वो भी पढ़ सकते हैं। SuperTET के और भी बैचेज हैं। अब दो बैच नए आ गए, जो आप में से बच्चे अगले CTET की तैयारी करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए 5 फरवरी से 2 जुलाई तक के लिए एक बैच स्टार्ट हो रहा है, मतलब लंबा बैच जिसमें आप आराम से पढ़ पाओगे। 4 फरवरी से 2 जुलाई तक का ये बैच स्टार्ट हो रहा है, Paper 1 और Paper 2। ठीक, अनअकैडमी ऐप के जो सबसे बेस्ट एजुकेटर्स हैं उनका ये बैच है और 4 फरवरी और 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं Paper 1 Paper 2। 5 जुलाई तक चलेंगे जब आपके पेपर होने की चांसेस हैं। इन्हें जाके आप ले सकते हैं, आपको डिस्काउंट में ये सब चीजें मिल जाएंगी। अब वापिस आते हैं, आ जाओ। सबसे पहले CDP देखना चाहोगे, शिवम सर आ जाइए, बच्चों का CDP का जो दर्द है वो दूर कर दीजिए। तो भाई बिल्कुल जैसा कि आयुष सर ने कहा है, जो पढ़ाया है वही आया है। और जैसे कि मैं बोलता था CTET में 30 में से 30, और अगर इस पेपर में भी आप लोगों के अगर 30 में से 30 नहीं आए तो भाई आगे के लिए आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि KVS DSSB SuperTET आप कैसे करोगे। भाई इस पेपर में आप लोगों को जो है 30 में से 30 बोलते थे वो ऐसे नहीं था, हवाबाजी थी, ये हकीकत वाला 30 में से 30 का है। आयुष सर एक बार आप बताइए बच्चों को कि CDP का पेपर का कोई लेवल था? कोई भी लेवल नहीं था, बहुत आसान पेपर था। मैं और शिवम सर यही डिस्कस कर रहे थे कि इसमें 30 में से 32 लाए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो भाई शुरू कर देते हैं। देखो बिना किसी देरी के भाई, आप लोग भी जिनने पेपर नहीं दिया है पेन पेपर लेकर के बैठना, अगर 30 में से 30 ना आए तो गारंटी। और जिन लोगों ने भाई आयुष सर की, मनीष सर की, माधवी मैम की, किसी की भी अगर लास्ट में मैराथन देख के गए हो ना, तो इस पेपर में आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन पर आ चुके हैं, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम असफलता का अनियंत्रित है, मतलब फेलियर अनकंट्रोलेबल होते हैं, ठीक है ना। अधिगम से योग्यताओं में सुधार होता है, भैया आप लोगों को पता है पहले साइकिल नहीं चला पाते थे, साइकिल चलाना सीख लिया तो घर वाले काम करवाने लगे ना, आपकी एबिलिटीज में सुधार हुआ या नहीं कमेंट करके बताओ, हाँ या ना। तो पहले का आंसर हो जाता है आप लोगों का बी। योग्यताएं अटल हैं, क्या भैया बचपन से कोई चीज नहीं आती है तो वो हमेशा नहीं आएगी, ऐसा थोड़ी है। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाई सबको पता है प्रयासों से और एक्सपीरियंस से ही तो लर्निंग होती है। पहले का आंसर क्या हो जाता है? दूसरा इसका सही जवाब हो जाता है। चलो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पर आ चुके हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग विच एम्फेसाइज ऑन। निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक यानी कि बच्चों के कॉन्सेप्ट को बढ़ाने में कौन चीज हेल्प करेगी? लो भैया इस क्वेश्चन का आंसर सही जवाब है, किताबों से पढ़ना, पेपर देना, बार बार एग्जाम कराना, ये सब कुछ नहीं, भाई कुछ भी नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भाई अगला क्वेश्चन ये रहा, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब विषय वस्तु को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाए। ये तो बढ़िया चीज है,
सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, मतलब कोई लेसन को आधा पार्ट आज पढ़ा दिया आधा पार्ट कल पढ़ा दिया, वो आंतरिक रूप से अभी प्रेरित हो भैया आप आज खुश हो कि आज तो सर जी अच्छा लेसन पढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली चले अगले पे, सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में क्यों प्रदर्शित कर रहे हो और भाई समाज से रिलेटेड करते हैं, एनसीएफ बिना नहीं पढ़ाओगे कंफ्यूज हो जाएगा। एनसीएफ क्या बोलता है, जो भी पढ़ा रहे हो बच्चे की डेली लाइफ से जोड़ करके बता रहे हो, और जो बुक्स है वो उसकी सामाजिक, ठीक है ना, संस्कृति का क्या होती है, प्रतिबिंब में होती है। चलो गाइस अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आयुष सर फोर्थ क्वेश्चन का, अधिगम जब सर्वोत्तम अवस्था में कौन सा होता है? भाई लर्निंग जो होती है बेस्ट कब होती है, जब बच्चों में कोई एक्साइटमेंट नहीं हो और कोई भी डर ना हो, भाई डर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए लेकिन कोई एक्साइटमेंट ना हो यार, उच्च उत्तेजना उच्च भय, मतलब एक्साइटमेंट भी है और भय भी है तो ये गलत है, और बिल्कुल भाई एक्साइटमेंट होना चाहिए लेकिन भय नहीं होना चाहिए। ओवर एक्साइटमेंट क्यों गलत है? ओवर एक्साइटमेंट में आप लोगों में से कई सारे लोग इसका आंसर एक लगा के आए होंगे है ना, तो इसीलिए ओवर एक्साइटमेंट नहीं, कोई भय नहीं देख के सर तुरंत आंसर बस बस यही है भाई। चलो कोई भय नहीं था तो आप लोगों को भी पांचवे में बता दो, अधिगम का संरचनात्मक विचार, भैया यहाँ पर संरचनात्मक विचारधारा की बात हो रही है। कंस्ट्रक्टिविस्ट, भाई कंस्ट्रक्टिविस्ट घर का क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पर बच्चा क्या करता है, दूर से देख के घर बनवाता है या खुद बनाता है। फोर्थ इसका क्या हो जाता है, सही जवाब, क्या बुक्स से पढ़ाओगे, कोई रोल नहीं दोस्तों। फोर्थ इसका क्या हो जाता है, सही जवाब। पांचवे का क्या आंसर हो जाता है, फोर्थ जवाब सही हो जाता है। तो गाइस आप लोगों के पांच में से अभी तक कितने सही हुए कमेंट करके बता दो भाई, कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके बता दो भाई, किसी को भी किसी में डाउट हो पूछते जाओ, और आप लोगों के अगर इस पेपर में भी क्वेश्चन गलत है तो भाई आप सोच लो आगे कैसे होगा, है ना। चलो सिक्स क्वेश्चन पर आ चुके हैं, सिक्स क्वेश्चन भाई ये रहा आप लोगों के सामने, अरे भाई इतने तेज मत जाओ अभी बच्चों ने क्वेश्चन देखे भी नहीं है। चलो लेव वाइगोत्स्की का, भैया लेव वाइगोत्स्की साहब क्या बोलते थे, एक कार्य करने के दौरान वो नजमा थी ना, वो पजल को सॉल्व करते टाइम बोलती रहती थी अब नीला कलर यहाँ आएगा, तो भाई यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की की बात आ रही है। अब लेव वाइगोत्स्की की आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट प्राइवेट स्पीच कहीं पर नहीं लिखा है, लेकिन लेव वाइगोत्स्की साहब ने क्या दोस्तों ईगोसेंट्रिज्म को बोला था, नहीं, ये प्याजे ने बोला था। बच्चे प्राइवेट स्पीच क्यों करते हैं, खुद को दोस्तों रास्ता दिखाने के लिए, सेल्फ रेगुलाइजेशन इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, मतलब बच्चे अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, दिशा दे रहे होते हैं। छठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, सी इसका सही जवाब हो जाता है। अब बच्चे बोल रहे हैं सर ईगो सेंट्रिक स्पीच तो प्याजे की थी, यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की लिखा हुआ है, और ये कौन सी स्पीच है दोस्तों, प्राइवेट स्पीच के द्वारा बच्चे अपने काम को क्या देते हैं, दिशा देते हैं। चलो दोस्तों सेवेंथ क्वेश्चन पर आ चुके हैं, सेवेंथ क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, बिना किसी देरी के भाई उड़ा दो, मूल्यांकन, भैया एग्जाम किस लिए कराए जाते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को पहचान कर सको जिनको पुरस्कार देना है ना, ऐसे नामांकित करोगे, समूहों में बांटोगे। फोर्थ इसका क्या हो जाता है, सही जवाब हो जाता है, बिल्कुल भाई फोर्थ इसका क्या हो जाता है, सही जवाब। सेवेंथ का आंसर क्या है दोस्तों, फोर्थ इसका सही है। भाई सीडीपी में मैंने बोला था ना 30 में से 30, इसमें 30 में से 30 आने का पेपर है, ये 30 में से 30 ही आने चाहिए, एक नंबर भी कटने लायक क्वेश्चन नहीं था, जिनने केवल लास्ट के एक हफ्ते क्लासेस देखी हो। चलो गाइस अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन भाई आपके सामने ये रहा है ना, अगले क्वेश्चन का आंसर करो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ना, बच्चों के विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है, एट्रीब्यूटेड टू, व्यक्तिगत भिन्नताएं कहां से आती है, आनुवंशिकता से, पर्यावरण से, किसी से नहीं, भाई तीनों ऑप्शन गलत है, ए इसका क्या है, सही जवाब है, ए इसका क्या है दोस्तों, सही जवाब है, ए इसका क्या है दोस्तों, सही जवाब है या नहीं, कमेंट करके बताओ यस और नो, है या नहीं। चलो गाइस अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ना, नाइन्थ क्वेश्चन, भाई एक खेल प्रक्रिया के दौरान, देखो एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, रोहन क्या करने लगा भैया, रोने लगा कि अरे भाई दर्द हो रहा है ना, और यह देखकर उसके पिताजी बोलते हैं क्या भैया लड़कियों की तरह व्यवहार कर रहे हो, ये किसको प्रमोट कर रहा है, इक्वालिटी को, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को दर्शा रहा है, बिल्कुल भाई, चुनौती दे रहा है, बिल्कुल नहीं, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाता है, बी इसका सही जवाब हो जाता है, डी बोल रहा है भैया लैंगिक भेदभाव को कम करता है,
लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। यहाँ पर दोस्तों स्टीरियोटाइपिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर भेदभाव नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं सर लैंगिक भेदभाव को कम कर रहा है। क्या यहाँ पर दोस्तों जेंडर इक्वेलिटी प्रमोट की जा रही है? क्या दोस्तों इक्वेलिटी प्रमोट की जा रही है? यहाँ पर आप लोगों को पता है, पहले ही बोला जा रहा है कि जो लड़कियां होती हैं वो चोट लगने पर क्या करने लगती हैं, रोने लगती हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों को स्टीरियोटाइपिंग को शो करेगा, करेगा या नहीं कमेंट करके बताओ, हाँ या ना, हाँ या ना, कमेंट करके बताओ हाँ या ना, है ना। क्या यहाँ पर दोस्तों इक्वालिटी प्रमोट हो रही है? क्या यहाँ पर बराबरी की बात हो रही है? बिल्कुल नहीं। नाइन्थ क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर कर दिया है दोस्तों, जेंडर बेस है, बिल्कुल जेंडर बायस है, हाँ जेंडर बायस है ना, पंकज सही बोल रहे हैं। तो दोस्तों 9 में से कितने क्वेश्चन सही हुए जल्दी से भाई, आप लोगों को 9 में से 9 क्वेश्चन सही हो तो जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाओ, और एक बार पहले तो बाकी सारी चीजें बाद में, बाकी सारी चीजें बाद में, पहले ये बताओ लास्ट टाइम पर जो मैराथन क्लास ली थी उससे मदद मिली या नहीं, यस और नो में कमेंट करके बताना। और ईमानदारी से, ईमानदारी से हेलो टीचर्स की टीम ने जितना आप लोगों के लिए साथ दिया है तो एक लाइक और शेयर तो बनता है। चलिए दोस्तों अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, भैया प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या करोगे आप? उनको नामांकित करोगे, अटल पाठ्यक्रम पढ़ाओगे, प्रतिस्पर्धा पर बल दोगे, या उनको प्रचुर संरचना के मौके दोगे? टेंथ का आंसर भी लो भैया, क्या हो जाता है? फोर्थ हो जाता है। टेंथ का आंसर क्या है? फोर्थ। भैया 10 में से 10 हो चुके हैं अभी तक मैं बोल रहा हूं, जिसने मैराथन देखी होगी एक नंबर गलत नहीं हुआ होगा। चलो भाई अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख और एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे से क्या क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला करती है। मतलब क्या कर रही है? संकेत और इशारे कर रही है। टीचर क्या कर रही है? इशारे कर रही है। टीचर इशारे कर रही है। अब भैया टीचर इशारे कर रही है तो लेव वाइगोत्स्की इसको क्या बोलेंगे? लेव वाइगोत्स्की इसको क्या बोलेंगे? प्रतिक्रिया में अर्थहीन है दोस्तों। इसका आंसर है इसके फोल्डिंग। क्या है दोस्तों? इसके फोल्डिंग। क्या है दोस्तों? इसके फोल्डिंग होगा या नहीं कमेंट करके बताओ। 11th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड इसका सही जवाब। इशारे करके वह क्या कर रही है भैया? मदद कर रही है कि इसको कैसे करोगे, क्या करोगे, है ना। तो दोस्तों सी इसका क्या हो जाता है? सही जवाब हो जाता है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन 12वां प्रश्न भाई ये रहा पहला सा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। सामाजिकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सोशलाइजेशन भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से ही सोशलाइजेशन हो रहा है। परिवार एवं जनसंचार दोनों द्वितीयक है। क्या फैमिली द्वितीयक में आती है? कभी नहीं। विद्यालय द्वितीयक है, परिवार क्या है? प्राथमिक कारक है। और यही क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है। विद्यालय एक प्रारंभिक, भैया विद्यालय प्रारंभिक नहीं है। बच्चा बचपन के बाद तो सबसे पहले फैमिली में मिलता है ना भाई, आपका एडमिशन पहले से ही स्कूल में हो गया था, ठीक है ना। क्या दोस्तों इसका आपका एडमिशन जन्म के बाद ही स्कूल में हो गया था? नहीं ना, 3 साल तक तो घर वालों से घुले मिले थे ना। बी इसका क्या है? सही जवाब। 12th क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बी। चलो गाइस 13th क्वेश्चन पर आ चुके। मल्टीपल इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्डनर साहब डायरेक्टली नहीं आए हैं लेकिन इनडायरेक्टली पूछ लिए गए हैं, कमेंट करके बताओ। मल्टीपल इंटेलिजेंस दोस्तों बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती हैं, सभी में एक सी होती है। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जा सकती है, है ना। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता को निर्धारित करती है। क्या दोस्तों बुद्धि एक प्रकार की होती है? और दोस्तों इसका आंसर हो जाता है डी, इसका सही जवाब हो जाता है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पेपर था, है ना। इसको बोलते हैं ना लड्डू पेपर। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? लड्डू पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लड्डू पेपर। अब भैया लड्डू पेपर में लॉरेंस कोलबर्ग साहब भी आ गए। अब बताओ लॉरेंस कोलबर्ग में किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। मैंने बोला है जाओ थप्पड़ मार दो, बच्चा जाके थप्पड़ लगाया है। मैंने बोला 5 रुपए दूंगा जाओ पानी लेकर आ जाओ, बच्चा कर रहा है। बच्चे को पता ही नहीं है कि गलत है कि सही है। दोस्तों ये क्या होगा? फॉर्मल होगा। फॉर्मल तो स्टेज ही नहीं थी। ये होगा कौन सा? आंसर करो। बिल्कुल दोस्तों प्री कन्वेंशनल, दूसरों के अनुसार प्री कन्वेंशनल। सेकंड इसका क्या है दोस्तों? सही जवाब हो जाता है। चलो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 14 क्वेश्चन का आप लोगों का हो गया। चलो दोस्तों 15वें क्वेश्चन पर, 15वां क्वेश्चन। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डेवलपमेंट के बारे में कौन सा कथन सही है? विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल सही है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है? नहीं भाई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। विकास केवल विद्यालय में, केवल गलत, केवल गलत।
और दोस्तों 15वें का आंसर क्या एक इसका सही जवाब हो जाता है, हो जाता है या नहीं, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ हाँ या ना, हाँ या ना। अभी तक 15 में से 15 कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बोलो सर इसमें डाउट है, इसमें कंफ्यूजन है, भाई क्लियर कट वाले क्वेश्चन आए है ना दोस्तों। चलो गाइस अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ले बाय गॉड्स की फिर से आ गए। अरे भाई इतने तेजी से मत भागो, अभी बच्चों ने दोस्तों क्वेश्चन पेपर इतना भी नहीं देखा है ना। चलो अब हम आ चुके हैं दोस्तों 16वें क्वेश्चन पर। कौन से क्वेश्चन पर दोस्तों? 18वां है ये और ये 16वां। चलो दोस्तों 16वां क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। ले वायगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष अधिगम प्रक्रिया में किसको महत्व देता है? इक्विलिब्रेशन को, एट्रीब्यूशन को, मोटिवेशन को, भाई कल्चरल फैक्टर्स को, कल्चरल फैक्टर्स को। दोस्तों क्या हो जाता है इसका आंसर? 20 का सही जवाब हो जाता है, हो जाता है या नहीं? बिल्कुल। और एक बार सभी लोग जशनप्रीत के लिए तालियां बजा देंगे, इनके CDP में 30 में से 30 आए। भाई कोई भी स्टूडेंट हो जो इसमें 30 में से 30 नहीं ला पाया है उसको सोचने की जरूरत है अपनी तैयारी के बारे में। बिल्कुल गाइस, तो दोस्तों 16वें का आंसर हो जाता है दूसरा। चलो दोस्तों 17वें क्वेश्चन पर, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके नाम से बताते हैं? भाई ब्रश कैसे करना है, बालों पे कंघी कैसे करना है, किसमें बताते हैं? मनोवैज्ञानिक उपकरणों में। तीनों गलत, स्कीमा इसका सही जवाब हो जाता है भैया। स्कीमा क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाता है ना दोस्तों। चलो गाइस अगले क्वेश्चन पर, 17वें क्वेश्चन तक किसी को डाउट, किसी को भी डाउट बता दो 17वें क्वेश्चन का, ए इसका सही जवाब। चलो दोस्तों 18वां क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में किस विकास में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? 18वें क्वेश्चन का आंसर करो भाई। संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करना, देखो यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? प्री ऑपरेशनल की। तो दोस्तों क्या प्री ऑपरेशनल स्टेज में कंजर्वेशन पाया जाता है? नहीं। क्या अमूर्त सोच पाई जाती है? नहीं। क्या दोस्तों हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। और दोस्तों 18 में से आप लोग बता दो, जब तीन गलत हो चुके हैं, जब तीन गलत हो चुके हैं तो क्या चौथा भी गलत होगा? कमेंट करके बताओ। जब भाई किसी MCQ में दोस्तों आप लोगों को तीन ऑप्शन गलत हो चुके हैं तो क्या चौथा ऑप्शन आप घर से लाओगे? नहीं लाओगे। और सी इसका क्या हो जाता है दोस्तों? सही जवाब हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? सही जवाब हो जाता है। गाइस बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर किया है, 18 का आंसर क्या है? सी इसका सही जवाब। नाउ कम टू द 19th क्वेश्चन भाई, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, यानी कि यहाँ पर ठीक है ना, जो 2016 में आया था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ठीक है ना, डिसेबिलिटी एक्ट, उसमें निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग जो है उपयुक्त है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है छात्र जिसको आशक्त शरीर है, मंदित छात्र या विकलांग छात्र या स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, तो दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल गाइस, तो दोस्तों AD राज के 28 सही, बहुत भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 19 क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल भाई आप लोगों को पता होगा 2016 का जो फिजिकल डिसेबिलिटी एक्ट था, यह छात्र जैसे शारीरिक रूप से क्या है, डिसेबल है, क्या है दोस्तों? डिसेबल्ड है। यहाँ पर क्रिपल्ड वर्ड यूज नहीं किया गया था, रिटार्टेड वर्ड यूज नहीं किया गया था, ना विकलांग वर्ड यूज किया गया था। और डीज का क्या हो जाता है? सही जवाब हो जाता है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं, जन्म से किशोरावस्था। भाई इस क्वेश्चन को अगर आप लोग गलत कराए तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई सबसे पहले कौन सी अवस्था आती है, एब्स्ट्रैक्ट वाली, सेंसरी वाली आती है, भाई पहले ही आप लोगों को पता है। दूसरा इसका क्या हो जाता है? सही जवाब हो जाता है। क्या हो जाता है? सही जवाब हो जाता है। भाई पहले सेंसरी मोटर स्टेज, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। दोस्तों सी इसका क्या है? सही जवाब। सी इसका क्या है दोस्तों? सही जवाब था। सी इसका क्या है दोस्तों? सही जवाब। पहली सेंसरी मोटर, दूसरी कॉन्क्रीट, तीसरी क्या हो जाती है? फॉर्मल ऑपरेशन। नाउ कम टू द 21 भाई, 21वें क्वेश्चन पर बाद में आएंगे, पहले तो ये बताओ अभी तक आप लोगों के 20 में से कितने सही हुए, 20 में से कितने सही हुए कमेंट करके बता दो एक बार। और भाई आप लोगों के सामने ये पेपर जो था एकदम लड्डू पेपर था, इसमें आप लोगों के 100% क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, है ना। बी नहीं सर, सी है। अमूर्त कैसे होगा? भाई देखो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि
जन्म से लेके विकास किस क्रम में होता है, किस क्रम में होता है भाई? सबसे पहले तो सेंसरी ऑर्गन सीखोगे ना, सबसे पहले तो संवेदी अंगों से सीखोगे ना। क्यों भाई सी क्यों कर रहे हो, है ना? 20वां रॉन्ग हो गया। जिसको दोस्तों प्याजे की थ्योरी आती थी ये आसानी से था या नहीं, है ना? चलो 21वां क्वेश्चन आ गया है, 21वें क्वेश्चन का आंसर करो। 21वां क्वेश्चन, प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किस तरह देखा जाता है? अधिगम अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए इंपॉर्टेंट है। बाधा, असफलता, समूह, तीनों गलत। ए इसका क्या है? सही जवाब है। ए इसका क्या है दोस्तों? सही जवाब है। ए इसका क्या है? सही जवाब 20वें का भैया बी होगा, 21वें का ए होगा। होगा या नहीं कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ हाँ या ना, कमेंट करके बताओ हाँ या ना। 21वें का ए। बिना किसी देरी के, टाइम वेस्ट किए बिना अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, इंक्लूसिव एजुकेशन में किस पर जोर होना चाहिए? भाई मैं नहीं बता रहा, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग अगर गलत करोगे तो गलत बात है। चलो भाई, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करें। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, भैया परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए या लर्निंग ओरिएंटेड होना चाहिए? अविभेदी समरूपी निर्देश, यानी कि सभी को सेम तरीके से पढ़ा दो, सभी को सेम तरीके से पढ़ा दो। क्या भैया जब क्लास इंक्लूसिव है तो क्यों सभी को सेम तरीके से पढ़ाओ? क्या दोस्तों उनको पहचान करके अलग अलग करोगे? क्या दोस्तों उनको पहचान करके अलग अलग करोगे? नहीं दोस्तों, ए इसका क्या होता है? सही जवाब होता है। भाई एक बार कमेंट करके बताओ, हेलो टीचर्स की टीम की जो मैराथन क्लासेस थी वो आप लोगों को उपयोगी साबित हुई या नहीं? उपयोगी साबित हुई हो तो आपकी साइड से लाइक और शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले और सबसे सटीक एनालिसिस आ चुका है, और अभी तक CDP के हम कितने क्वेश्चन सही कर चुके हैं? 22 कर चुके हैं, और 22 में से मैं आप लोगों को बोल सकता हूं कि केवल एक 4 घंटे की मैराथन में से एक भी बाहर नहीं हुआ होगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं हुआ होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा बड़ा प्यारा सा, अरे भाई इतने तेज ऊपर मत जाओ, है ना? चलो गाइस 22वां क्वेश्चन कर लिया था, अब हमें 23वें पर आना था। 23वां क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, है ना? समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? सर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी किस तरह से फैसिलिटेट की जा सकती है, कैसे तरह से की जा सकती है, है ना? तो दोस्तों आप लोगों को विद्यार्थियों के अंदर डर की भावना पैदा करके, ड्रिल पर फोकस करके, समस्याओं को हल करने हेतु अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके, और इनकरेजिंग टू यूज द, ठीक है ना, एनालॉजीज। तो दोस्तों समरूपों का मतलब जानते हो, एनालॉजीज, एनालॉजीज को दोस्तों काफी बार बताया गया है दोस्तों, लगातार अभ्यास और फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तो दोस्तों ड्रिल और प्रैक्टिस से ज्यादा होगा एनालॉजीज का, दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए डी, इसका सही जवाब होना चाहिए। कैसे होना चाहिए इसका दोस्तों? यहाँ पर आप लोगों का देखो, लगातार अभ्यास, दोस्तों लगातार शब्द नेगेटिव हो जाता है। एनालॉजीज का मतलब समझते हो, एनालॉजीज का मतलब हो जाता है कि पूर्व में निर्धारित किए गए कार्यक्रम। जैसे कि आप लोग पहले गणित में आप लोग सवाल सॉल्व करने से पहले पत्थरों का यूज करते हो ना, 2 पत्थर + 2 पत्थर मिला करके 4 पत्थर, है ना? तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर आप लोगों का डी होना चाहिए। एनालॉजीज का मतलब हो जाता है कि सर यहाँ पर पुराने किए गए कॉन्सेप्ट, जैसे आप लोगों ने कभी अगर साइकिल का टायर पंचर हो गया हो उसको सुधारा है, तो उसको सीख करके बाइक के टायर को पंचर बनाना इजी होगा या नहीं? जिसको साइकिल चलाना आता है उसके लिए दोस्तों बाइक चलाना आसान होगा या नहीं? कमेंट करके बताओ हाँ या ना। दोस्तों जिसको साइकिल चलाना आता है उसी के समरूप रूप में वह बाइक चला लेगा या नहीं? कमेंट करके बता दो एक बार हाँ या ना, कमेंट करके बता दो हाँ या ना, कमेंट करके बता दो हाँ या ना, एक बार कमेंट करके बताओ। जैसे किसी को दोस्तों साइकिल चलाना आता है और उसको दोस्तों पहली बार एक्टिवा दे दो, आप क्या दे दो? पहली बार एक्टिवा दे दो, तो दोस्तों वह चला लेगा या नहीं? कमेंट करके बताओ हाँ या ना, है ना? यहाँ पर लगातार अभ्यास की वजह से दोस्तों ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो होना चाहिए समरूप, यानी कि पहले से तैयार की गए सेट ऑफ फॉर्म। जैसे आप लोग मैथ की एग्जाम्पल की देखते हो ना, मैथ की किताब में पहले क्या होते हैं? कुछ एग्जाम्पल होते हैं, क्यों? उससे आप लोग एनालॉजीज बना लो, फिर उसके बाद क्या करोगे दोस्तों? मेन एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे या नहीं? कमेंट करके बताओ हाँ या ना, है ना? तो दोस्तों ये था आप लोगों का 23वां क्वेश्चन। अब आ चुके हैं 24वें क्वेश्चन पर। 24वां क्वेश्चन, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों
प्रैक्टिस रिजिड शिक्षण शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग क्या भाई, जटिल संरचनाओं का प्रयोग, TLM का यूज, ठीक है ना, और दोस्तों संरचनात्मक शिक्षण शास्त्रीय उपागमों का, और बिल्कुल भाई यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सही है, ये गलत है, और 24वें का आंसर हो जाता है ए, इसका गलत जवाब हो जाता है, ए इसका गलत जवाब है, और वही यहाँ पर पूछा गया था, और वही क्या है दोस्तों सही हो जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन के अलावा मुझे नहीं लगता है आप लोगों को कहीं भी अटकने की जरूरत पड़ी होगी। चलो दोस्तों अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता का प्रमुख लक्षण क्या है? दोस्तों आप लोगों को बताना है क्रिएटिविटी का मेन लक्षण क्या है। तो दोस्तों क्रिएटिविटी यानी 25वें क्वेश्चन का आप लोगों से पूछा गया है, भाई आंसर कर दो। असतर्कता यानी कि कुछ भी हो रहा है मतलब ही नहीं है, कम हाँ भाई आवाज आने लगी होगी, अब टेंशन मत लो, है ना, 25 में से 25 कर लिए तो 30 मैथ भी करवाएंगे। बस बस, अरे भाई और एक चीज और, भागना नहीं है, हमारे आयुष सर, माधवी मैम, मनीष सर, महेंद्र सर और हमारे निखिल सर तो खुद पेपर देने भी चले गए थे कि बच्चों के लिए सबसे पहले पेपर आना चाहिए, है ना। तो गाइज आप लोगों को अब आवाज क्लियर आ रही होगी, सर प्लीज एक बार कमेंट चेक कर लेना। हाँ तो 26वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सी का सही जवाब। तो दोस्तों आप लोगों का 26वां क्वेश्चन हो गया, अब 27वें पर आ जाओ। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्यों भाई? एक अध्यापिका, एक टीचर को बच्चे की जो गलतियां होती हैं उनका एनालिसिस क्यों करना चाहिए? भैया बचपन से पढ़ा है, बच्चे की जो गलतियां होती हैं टीचर के लिए क्या होती हैं? खिड़की के समान होती हैं कि बच्चा कैसे सीख रहा है, इसके आधार पर दंड की मात्रा। तुमने एक क्वेश्चन गलत किया है तुम 2 डंडे खाओगे, ऐसे करोगे नहीं। त्रुटियों को समझ अध्यापन, भाई बिल्कुल दोस्तों यहां पर आप लोगों ने तीसरा आंसर, अरे रुको रुको है ना, इरेजर गायब हो गई, लेकिन तीसरा इसका सही जवाब है। इसका आंसर क्या हो जाता है? त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या है? अर्थपूर्ण है, और दोस्तों यही इसका क्या है? सही जवाब है। इसके आधार पर ज्यादा त्रुटियां करने वाले अलग, भाई गलत है, सारे ऑप्शन गलत है। चलो 28वें क्वेश्चन पर आ जाओ। 28वां क्वेश्चन, अधिगम की अभिप्रेरणा, लर्निंग में दोस्तों मोटिवेशन जो है, ठीक है ना, किस प्रकार कायम की जा सकती है? शेयर कर दो फटाफट, मैथ के क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आने वाले हैं, और भाई मैथ, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश सब आएगा, बस आप लोगों को लाइक और शेयर में कमी नहीं रखनी है। चलिए गाइस, यंत्रवत याद करने पर, भैया याद करने पर जोर दोगे, पनिशमेंट दोगे, और फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेशन और गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन, दोस्तों 28 का आंसर आप लोगों ने कर दिया है कि किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। मास्टरी ओरिएंटेशन समझ रहे हो, आप क्लास में आते ही बच्चों से बोल दो कि भाई इस बार सबको फर्स्ट रैंक लानी है चाहे जो भी हो जाए। मास्टरी ओरिएंटेशन जो है कभी कभी नेगेटिव टर्म में चला जाता है,
इससे बच्चे क्या आ जाता है, परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप दे करके दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके मोटिवेशन को कायम कर सकते हैं। लगता है ना कि भाई अब क्वेश्चन हो रहे हैं तो आगे चलो, दो चार क्वेश्चन गलत होते हैं बोलते हो अरे बंद करो बुक हमें नहीं पढ़ना, है ना। तो मोटिवेशन को कैसे, बीच बीच में इजी इजी क्वेश्चन दे करके। क्लियर हुआ जी? चलो गाइज अगले क्वेश्चन पर आ चुके। शर्मिंदगी, शेम जो होता है वो क्या करता है बच्चों को दोस्तों, स्कूल में कभी आप लोग उन पर कमेंट कर दो कि अरे तुम ऐसे लग रहे हो, तो इससे उन्हें क्या आता है, शर्म महसूस होती है। ये क्या होती है, शर्म के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। भैया शेम बिल्कुल नहीं, संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। क्या दोस्तों शर्मिंदगी क्या है आप लोगों का, क्या है ये, संज्ञान है या संवेग है? शेम एक इमोशन है, क्या है दोस्तों, एक संवेग इमोशन है। और इमोशन का दोस्तों आप लोगों को पता होगा ये पॉजिटिव इमोशन है या नेगेटिव इमोशन है। शर्मिंदगी एक नकारात्मक इमोशन है और दोस्तों इसका बच्चे पर कैसा प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और 29 का आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, 3 इसका सही जवाब हो जाता है। 29 का आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, 3 इसका सही जवाब हो जाता है। हुआ या नहीं कमेंट करके बताओ, यस और नो। अभी तक दोस्तों 29 का डी कर रहे हैं, बच्चों के अधिगम हेतु अभी प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। भैया शर्माना किसके लिए प्रभावशाली होता है? पंकज बोल रहे हैं सर शर्माने से लर्निंग प्रभावशाली हो जाती है। बच्चा ऐसे कर रहा है भाई, लर्निंग कहाँ से प्रभावशाली होगी, है ना। क्या दोस्तों बच्चा शर्माएगा तो ज्यादा प्रभावशाली तरीके से सीखोगे, है ना, कमेंट करके बताओ। क्या बच्चा शर्माएगा तो ज्यादा अच्छे से सीखेगा, क्या बच्चा शर्माएगा तो ज्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा? बिल्कुल नहीं सीखेगा भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं और लास्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव, नकल करना, दोहराना, यंत्रवत याद करना, भाई ज्ञान का निर्माण करना, तीसरे का क्या हो जाता है, सी का सही जवाब होता है। क्या हो जाता है दोस्तों, सी का सही जवाब। और भैया 30 में से 30 वाला हिसाब हो गया या नहीं, एक बार कमेंट करके बता दो, 30 में से 30 सर, एक बार शेयर और लाइक के लिए भाई, एक बार फटाफट शेयर और लाइक कर दो, ठीक है। मैथ का सोल्यूशन आने वाला है, 500 लाइव है लेकिन लाइक देख रहे हैं गुरुजी। अरे ओ भाई कंजूसी ये देखो तुम्हारे लिए पत्तियां, क्षेत्रफल आज भी ऐसे कैसे खुला रखा है भाई, लाइक और शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। सर मैं एक बार अपना पेपर डाउनलोड करके लगा देता हूँ, जाइए अब आप, मैं कंट्रोल कर लूंगा, आप रिलैक्स कीजिए। सर खाना वाना खाइए आप, चलो भाई फटाफट सिर्फ आंसर बताऊंगा, ओवरव्यू बता दूंगा, ज्यादा इतना टाइम लेंगे नहीं। धन्यवाद सर जी, इधर खड़ा हो जाता हूँ मैं, नहीं इधर ही, ये तो चेंज भी करना पड़ेगा। देखो भाई ठीक है, थोड़े से बड़े कर देते हैं इन्हें सवालों को, किसी को कुछ दिखने विखने में दिक्कत हो तो बताओ, और बढ़िया पढ़ाया हुआ काम आ गया ना, हर बार पेपर के बाद यही बोलता हूं तुम्हें कि थोड़ा लेवल बढ़िया करके पढ़ लिया करो। वो कहाँ है वो वाले सारे जो मैं जब ठीक सवाल करवा देता था कमेंट करते रहते थे, अले तल जी ये भी आएगा क्या, आज देखना पेपर में क्या क्या आया हुआ है। हमेशा पेपर पिछले पेपर से थोड़ा लेवल बढ़िया ही आता है, जब हम उसे पढ़ने लगते तब आसान लगता है, तो पढ़ के चीजें आसान बनाओ। पहला सवाल ये रहा स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, चीजों की स्थान की समझ होना स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होता है। ड्रॉइंग बार ग्राफ्स ड्रो करने से कुछ नहीं होगा, टेसिलेटिंग फिगर्स को समझना, जो टेसिलेटिंग फिगर्स होती हैं अगर बच्चा उन्हें समझता है, कितनी बार तुम्हें बताया फिगर टेसिलेट कैसे होती हैं, जैसे सेब टेसिलेट नहीं करता है और क्या टेसिलेट करता है। इस सवाल का आंसर होगा डी, इस सवाल का आंसर क्या होगा भाई, डी। ठीक समझ आ गया, इस सवाल का आंसर होगा डी, फिगर जो टेसिलेट करती हैं उससे ही बच्चे को स्थानिक समझ के बारे में कोई बात समझ में आ पाएगी। फिगर ड्रॉ करने से, नंबर का पैटर्न, सुडोकू, पजल, इनसे प्रोपोर्शनल रीजनिंग आएगी, स्पेशल इसी से आएगी। अगले पे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट, बच्चे का फ्रैक्शन आप किससे बढ़िया कर सकते हैं बताओ, बच्चे का फ्रैक्शन आप किससे बढ़िया कर सकते हैं, एक बार मैं कमेंट खोल लेता हूं, फटाफट बताओ।
चलो भाई चले अब आगे, देखो सबसे आ जाओ, एक सेकेंड चैट खुल रखे, किसी को कोई डाउट होगा बता देना। चलो एक बार 2 मिनट का मौन उन बच्चों के लिए जिसको इस सवाल का आंसर जियो बोर्ड लगता है। तुम्हारे लिए कल शांति सभा का आयोजन करेंगे, सवाल का आंसर होगा क्रिजनेर छड़े। हो सकता है तुमने ये ना पढ़ी हो, लेकिन भाई तुमने अबेकस तो पढ़ा हुआ है। अबेकस फ्रैक्शन सिखाने के लिए होता है क्या? जोड़ घटा प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए होता है। नंबर चार्ट में कई फ्रैक्शन होते ही नहीं है। जियो बोर्ड का इस्तेमाल 2D शेप्स के लिए किया जाता है, तो ओड वन आउट भी कर सकते थे। क्रिजनेर छड़े सर्च करके देख लेना, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा गणित को लेके सही नहीं है ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। मैथमेटिक्स यूज स्पेशल वोकैबुलरी टू कम्युनिकेट आर्गुमेंटेशन स्किल इज इंपॉर्टेंट। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर प्राइमरी लैंग्वेज। एक सेकंड फिर से पढ़ना। यूज स्पेशल टू कम्युनिकेट आइडियाज प्रिसाइजली। आर्गुमेंटेशन स्किल इज इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज। डी गलत है कि प्राइमरी लेवल का जो मैथ होता है ये कॉन्क्रीट होता है और इसमें एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। गणित के विचारों की संरचना के लिए हम विशेष शब्दावली का प्रयोग करते हैं, इक्वल टू प्लस माइनस ये सब कुछ गणित की वोकैबुलरी है। गणित की अपनी अलग वोकैबुलरी होती है और बच्चे को वही हम सिखाते हैं। गणित के सारे विचार कॉन्क्रीट नहीं होते हैं, गणित के विचार एब्स्ट्रैक्ट है, हम उन्हें कॉन्क्रीट करके पढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक लेके चले जाएं, वो चीजों को मन में सोचने लगे। इसके बाद अगला सवाल, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है भाई, कौन सा होगा। शेप ऑफ फिगर डिटरमाइंस द पैरामीटर की किसी फिगर की शेप से पैरामीटर का पता चलेगा। इफ टू फिगर्स हैव सेम एरिया द पैरामीटर्स आर इक्वल। यदि दो फिगर्स का सेम एरिया हो तो उनका परिमाप भी इक्वल हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण सीधा सीधा ये हो जाएगा, जैसे मैं तुम्हें कह देता हूं कि ये 5 × 2 = 10 है, ठीक। ये कितना है 2, ये कितना है 5, और एक फिगर मैं तुम्हारे लिए यहां पे रख देता हूं 2.5 × 4। क्या रख देता हूं 2.5 × 4, ये रख दी भाई। इसका भी परिमाप कितना आएगा, उसका भी क्षेत्रफल कितना आएगा 10 आएगा। 2.5 × 4 = 10 होता है, लेकिन क्या परिमाप उतना ही आएगा, क्या परिमाप उतना ही आएगा, नहीं आएगा। यदि दो आकृतियों का सेम क्षेत्रफल होता है तो उनके पैरामीटर इक्वल होना जरूरी नहीं है। अगर सेम पैरामीटर हो तो क्या उनका एरिया इक्वल हो जाता है, यह भी नहीं होता। जैसे ये 5 × 2 = 5 = 2 इसका 10 है पैरामीटर, में एक और बना देता हूं, यहां मैं कर देता हूं आपके लिए 1 1, और यहां पे मैं कर देता हूं आपके लिए 4 4। क्षेत्रफल अलग हो गया, परिमाप समान है, तो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। यूनिट ऑफ पैरामीटर और एरिया सेम नहीं होती है, तीनों गलत है। तो ऑब्वियसली पहले वाला सही हो गया कि फिगर की शेप उसका पैरामीटर डिसाइड करती है, ठीक। ये बात आई समझ में, चलो अगली बात पे चलते हैं। फिगर की शेप ट्राइंगल शेप है, सर्कुलर शेप है, कैसी शेप है, से उसका परिमाप निर्धारित होगा। अगला सवाल, इनमें से 3 का ऑर्डिनल नंबर कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं। मैं कौन से फ्लोर पे रहता हूं भाई, मैं रहता हूं सेकंड फ्लोर पे। कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है ना चैट में, ठीक है। मैं कौन से फ्लोर पे रहता हूं, थर्ड फ्लोर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सब क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। मार दो शेर इसी बात पे। ऑर्डिनल नंबर मैंने तुम्हें इतनी बार बताया क्या होते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब ऑर्डिनल है। अगले वाले पे आ जाओ, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग टू द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एट ट्राइंगल्स एट प्राइमरी लेवल। बच्चे को क्या ट्राइंगल की डेफिनेशन देनी चाहिए, बिल्कुल गलत। प्राइमरी लेवल पे आप डेफिनेशन पे इतना फोकस नहीं करते हैं तो ये गलत। चिल्ड्रन शुड ओनली बी कि सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ाओ भाई, सारे ट्राइंगल, बच्चे तो सारे ट्राइंगल पढ़ते हैं, छोटा बच्चा तो इसे भी ट्राइंगल मान रहा है। चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्राइंगल ऑफ ऑल टाइम्स, बट दूसरी फिगर नहीं भाई, स्क्वायर सर्किल रेक्टेंगल सब तो पढ़ाते हैं हम छोटे बच्चे को। चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्राइंगल ऑफ ऑल टाइप्स,
गणित के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानना है हमें. शुद्ध क्या है? देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया मेजरमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस ओनली एट बेसिक रिप्रेजेंटेशन. हथेली से क्षेत्रफल नापना, मतलब क्षेत्रफल के जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो हम किस लेवल पे स्टार्ट कर देते हैं, प्राइमरी पे ही कर देते हैं, उच्च प्राथमिक लिखा हुआ है. फाउंडेशन ऑफ एल्जेब्रिक थिंकिंग कैन बी लेड एट प्राइमरी लेवल, ये भी हो सकता है क्योंकि x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, बच्चे को छोटा छोटा बेसिक बेसिक नॉलेज देना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये उतना सही नहीं है. एक छोटा सा टिक मार लो इस पे. द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन शुड बी इंट्रोड्यूस ओनली प्राइमरी लेवल पे, नहीं प्राइमरी पे इंट्रोड्यूस किया जाता है फ्रैक्शन, अपर प्राइमरी पे नहीं. कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर शुड बी इंट्रोड्यूस, बिल्कुल नेगेटिव नंबर्स इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए जाते हैं प्राइमरी लेवल पर. ठीक, जो ये मतलब जो दिल्ली में प्राइमरी स्कूल है उनमें तो नेगेटिव नंबर शुरू कर दिए जाते, सब जगह कर दिए जाते. बीज गणित भी हल्का फुल्का शुरू कर देते हैं, तो 90% डी होगा, बी भी इसका आंसर हो सकता है. जिन्होंने बी भी लगाया तो उम्मीद रखना क्या पता सीबीएसई से भी सही कर दे, क्योंकि बेसिक तो एलजेब्रा भी स्टार्ट हो जाता है. अब आ जाओ, सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, 5 एक के बाद एक आने वाले नंबरों का योग, 5 एक के बाद एक आने वाले नंबरों का योग, बीच वाला औसत होता है और औसत में संख्या की गुणा कर दो, क्या आ जाता है भाई? बीच वाला नंबर औसत होता है और औसत में संख्या की गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है? औसत में संख्या की गुणा कर दो तो क्या आ जाता है? मैं ये वाला पेन ले लेता हूं. अगर औसत में संख्या की गुणा कर दे, जैसे देखो ये मेरे पास क्या है, 5 गोले हैं जो एक के बाद एक आ रहे हैं, ये एक के बाद एक आ रहे हैं, बीच वाला नंबर क्या होता है? औसत होता है. ठीक, अब कोई आपको कह रहा है कि भाई औसत तो मतलब टोटल योग 20 है, तो इस औसत में 5 की गुणा करके 20 आया होगा, मतलब औसत कितना है? 4 है. ये वाला नंबर कितना है? 4 है. बीच वाला, इससे पहले वाला 3, इससे पहले वाला 2, 4 3 7 और 2 9, इस सवाल का आंसर हो जाएगा. इस सवाल का आंसर कितना होगा? 9. आगे चलते हैं, एक भाग के सवाल में, ये मैंने सोल्व नहीं किया यहीं पे कर दूंगा. एक भाग के सवाल में डिवाइजर इज 5 टाइम्स द क्वेश्चन एंड ट्वाइस द रिमाइंडर इफ द रिमाइंडर इज 5. देखो क्या होता है, जिससे आपने भाग किया डी क्वेश्चन और रिमाइंडर, उससे आपको पता चल जाएगा वो नंबर क्या था. तो रिमाइंडर कितना है? 5, और इसका डबल, डिवाइजर इज 5 टाइम्स द क्वेश्चन एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, इसका कितना है? डबल है, मतलब 10, और इसका कितना गुना है? ये 5 गुना, मतलब ये कितना है? 2, 10, 2, 20 और 5, 25. इस सवाल का आंसर डी आ जाएगा. ऐसे भी भाई तुम्हें नंबर सिस्टम की मेरी कोई भी वीडियो देखना जाके, नंबर्स की जब मैंने मैराथन करवाई होगी तो ऐसे सवाल मैं जरूर पढ़ाता हूँ. लेकिन तुम लोग मुझे मजबूर करके क्या कर देते हो कि सर नहीं, अच्छा मत पढ़ाओ सर, अच्छा मत पढ़ाओ सर, पेपर में अच्छा तो आना ही नहीं सर, हमें तो अच्छा पढ़ना ही नहीं. इस सवाल का आंसर क्या होगा? ये होगा. ठीक है, चलो 25 सवाल, इसका 25 उत्तर है. तुक्के मारने की क्या जरूरत थी, अड़ी रात सवाल पढ़ता हो जाता. ये देखो भाई, इनमें आपको बताना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा. ये छोट, जब भी दो फ्रैक्शंस का आप देखते हैं कि उनका गैप सेम है, मतलब इन सबका गैप आपको क्या नजर आ रहा है? सेम नजर आ रहा है, तो आपको बस ये देखना है कि सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटा हो जाता है. बस सवाल खत्म. सबसे बड़ा 5/6, उसके बाद 3/4. ये जो 3/5 है इसे कंपेयर करने के लिए आप 3/5 क्या होगा? 6 के बराबर होगा, 0.6. और ये तो 2/3 से भी छोटा है, ये भी 6.66 होता है. 2/3, 6, 6, 6, 6, 1/3, 3, 3, 3, 3, बहुत बार पढ़ाया. 20 सवाल का आंसर होगा, 0 लगा के भी कर सकते थे. वायर जो है वो एरिया के रूप में है, उसका एरिया 144 है, साइड 12 हो गई. हाउ मच एरिया इज एनक्लोज इन द सेम वायर इफ इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. देखो 12 एक साइड को मिला, मतलब यहां भी 24 होना चाहिए. एक को आपने 16 कर दिया तो दूसरी कितनी बचेगी? 8, 16, 8, 8, 6, 48 का डी 128 आ जाएगा. 16, 8, 148, 64, 2, 128. 48 स्क्वायर है 1/1 के, और उन सबका क्षेत्रफल एक ही रखना है. आप किसी भी फिगर को कैसे भी अरेंज कर लो, एरिया सेम ही रहता है. टाइल्स ने हमें यही तो सिखाया था, जब हम टाइल्स को देखते हैं तो टाइल्स हमें यही तो सिखाती है कि आप किसी भी चीज को कैसे भी अरेंज कर लो, क्षेत्रफल तो उसका उतना ही रहेगा. तो आ जाओ, सबसे पहले मैंने 48 रख दी ऐसे. कितनी सारी बिंदियों वाले सवाल में भी तो यही था, फैक्टर्स ही तो ढूंढने थे.
48 गुना एक, 24 गुना दो भाई, 12 गुना और छोटा करते जाओ, 24 का आधा आधा करते चले जाओ, 24 12 तिया, 12 का आधा 8, 8 छंग 48, 8 का भी आधा 4, 12 12 चौक 48, 8 का आधा ये पहले हो चुका है इसे छोड़ दो, 4 गुना 12 पहले हो चुका है और क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 3 गुना 16 48, तो 5 तरीके से बनाया जा सकता है, 5 एक दो तीन चार पांच, ये 5 तरीकों से 48 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, यही इसके फैक्टर्स हैं। रूही 19वें नंबर पर है, 19वें नंबर पर दोनों तरफ से 19वां 19th ये ओरिजिनल नंबर है, 19वें पे है, मतलब 18 इसके इधर है, 18 इसके इधर है, 18 बच्चे इधर 18 बच्चे इधर, 36 हो गए और एक ये खुद है, आंसर कितना आ गया 37 आ गया, 18 इधर 18 इधर, एक ये खुद है भाई। 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंच गई है स्मिता, 8:30 बजे से कितने पहले पहुंच गई 15, मतलब 8:15 पे चली गई, ठीक। इसका दोस्त इससे 40 मिनट अपने दोस्त से आधा घंटा पहले है, मतलब दोस्त किस टाइम पहुंचा है 8:35 पे पहुंचा है, अपने दोस्त से आधे घंटे पहले पहुंची है, और ये दोस्त जो है इसका 40 मिनट लेट है मीटिंग के लिए, कितना लेट है दोस्त मीटिंग के लिए 40 मिनट लेट है, 15 और 30 बस यही तो तुम कमाल करवा देते हो मेरे से कई बार, 45 होता है, ये दोस्त कितना लेट है मीटिंग के लिए 40 मिनट लेट है, ठीक। तो 8:45 पे अगर पहुंचा है मतलब मीटिंग का टाइम क्या था 8:05, जो आंसर मैं लगा रहा हूं ना न्यूमेरिकल में तो 110% सही होगा, सिर्फ सिली मिस्टेक छोड़ देना अगर मैं कुछ कर देता हूं तो, कमेंट में बता देना कुछ सिली मिस्टेक हुई है तो कहीं पे। चले आगे, 40 रोंग हो गया, 5 होगा आंसर, तो तुमने क्या लगाया ये मुझे नहीं पता, कहीं मैं सिली मिस्टेक करूं तो बताना। ये क्वेश्चन मैंने कैलकुलेट कर लिया था, कैलकुलेशन करनी थी और कुछ नहीं करनी थी, इतने पैकेट इसके लिए इतने इसके लिए, सवाल का आंसर डी आ रहा है, सबका डी आ रहा होगा, 45 का डी, 45 का डी। एक नंबर जो है 100 के आधे से बड़ा है, एक लाइन ढूंढो एक शब्द, द टेंस डिजिट इज डबल ऑफ द वंस डिजिट, सिर्फ एक लाइन, कितना चीख चिल्ला के तुम्हें कहा ऐसे सवालों में, एक या दो लाइन मोर देन सफिशियंट होगी, पढ़ लो एक दो लाइन ढूंढ लो कि जो नंबर है इकाई का नंबर, द टेंस डिजिट इसका डबल है, दाही का नंबर इकाई के नंबर का डबल है, 3 है तो ये कितना है 6 है, बात खत्म, अगले नंबर पे चलो। इस सवाल का आंसर ये हो गया, ऐसा सवाल एक और आया भाई, ये भारी भरकम देखो कितना बड़ा सवाल आ गया, चलो भाई अब आ जाते हैं सवाल पे, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और भी कुछ प्रॉपर्टी मिल जाएगी, 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान का 2/3 है, 10वें स्थान का अंक ये वाला नंबर जो है, ये वाला नंबर जो है 100वें स्थान का 2/3 है, 100वें स्थान का मतलब इसका 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 2/3, मतलब यहां 3 से कटने वाला नंबर होना चाहिए, 3 से कटेगा, 3 पे 3 दूनी 6, 3 से कटेगा कितने पे 2/3, 10 एक सेकेंड, 10,000 में लिखा हुआ है 10, मैंने चलो ये प्रॉपर्टी, इनमें कोई एक अच्छी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी, मैंने जो प्रॉपर्टी देखी थी वो ये देखी थी कि इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज लार्जेस्ट सिंगल डिजिट ओड नंबर, सिंगल डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ओड भी होता है तो वो कौन सा होता है 9, तो दो सवाल आ गए मेरे पास। सेकंड ये था कि 1000 प्लेस इज द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, जो दूसरे स्थान पे यहां नंबर है ये आ गई, ये है वो 1000 प्लेस पे जो नंबर है, यानी इकाई धाई सैकड़ा हजार, हजारवें स्थान का जो नंबर है वो लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है, लार्जेस्ट सिंगल डिजिट का प्राइम नंबर कौन होता है 9, 7 होता है, लार्जेस्ट सिंगल डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा है 7 है भाई, ये रहा आंसर, 20 सवाल का आंसर होगा, इस वाली बात से सवाल सोल्व हो जाएगा। हजारवें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 7 सबसे बड़ा अभाज्य संख्या है, यहां दे रखा है हजारवें पे दे रखा है ना, हजारवें पे, बस एक ही लाइन से सवाल सोल्व हो जाते तुम्हें वैसे ही देते बेवकूफ बनाने के लिए। इस सवाल का आंसर क्या आया था मैं तो भूल भी गया, 30 से 31 पे गए 12 घंटे, 12 से भाई 11:40 से 20 मिनट वो 15:35 मिनट आ गया, 29 घंटे 35 मिनट आया था, 29 घंटे 35 मिनट,
29 घंटे 35 मिनट एक बकेट है आपके पास 16 लीटर की एक बकेट है और आप चाहते हैं कि 50 बार इससे भरा जाए, 50 बार उससे आप भरते हैं। 16 लीटर का मतलब है 16,000 मिलीलीटर, 50 से काटेंगे जीरो से जीरो कट गया, 5 से काटने का मतलब है नंबर को डबल करना है, बस 32 इस सवाल में ए में दिया हुआ है। मास्टर जी गजब ही पढ़ाते हो आप, तो आपसे पढ़ लेते तो सारे से ही हो जाते, निकम्मों से पढ़ना तो नहीं ना तुम्हें। इस सवाल का आंसर जोड़ जाड़ के देख लेना, डी आ जाएगा। इस सवाल को जोड़ जाड़ के देख लेना, आंसर डी आ जाएगा। कोई सवाल गलत लगे तो बताना, बहुत फास्ट चलने रे, आंसर ही तो बताने तुम्हें और कैसे यहाँ पे सॉल्यूशन बताने। चले आगे, अगले सवाल पे चलते हैं। 49, अरे तुम्हारा रोंग हो गया कि मेरा रोंग हो गया, बता दिया कर क्या। हाँ एक बार सारे के सारे लाइक मारो, माधी मैडम कह रही है देखते इतने सारे लोग रहे, लाइक कर रहे। अरे भाई लाइक कर दो, अरे लाइव चैट बंद करके एक अंगूठा ही तो लगाना है, कर दो लाइक, आ जाओ। ये सवाल दिया हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एग्रीगेट का मतलब होता है सब चीजों को जोड़ देना, एग्रीगेट का मतलब होता है सब चीजों को जोड़ देना, और इन दोनों के ना एग्रीगेट मार्क्स, इसके भी और इसके भी, दोनों के एग्रीगेट मार्क्स क्या है, बराबर है। ये मैंने पर्सनली जोड़ के देखे थे, दोनों के 390 आ रहे हैं, 390 दोनों के 390 आ रहे हैं, ठीक है। मेरे बाद भाई हिंदी का सर जी जो है शिलान्यास कर देंगे। 50 रुपए पहले 2 किलोमीटर के लिए आप दे देते हो, कितने रुपए बच गए, 208। भाई 2 किलोमीटर के आपने 50 रुपए दे दिए, 208 रुपए बचे, ये आप 16 रुपए किलोमीटर के हिसाब से दे रहे हो। 16 का पाड़ा पहले भी आया था, 16 8, अब फिर आ गया, 16 से कितने पे कटेगा, 16 6 18 होता है, तो कितने पे कटेगा, 13, कितने पे कटेगा, 13 और 2, ये रहा टोटल 15 आ जाएगा इसका आंसर, 15 15 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि 2 किलोमीटर आप 50 वाले भी तो चले हो और बाकी के ये हो गए। आगे चलो भाई, आपको कुछ बातें दी गई है, पूछा है इनमें एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 है। भाई ऐसा एक ही रेक्टेंगल होगा दुनिया में जिसकी लेंथ 5 हो गई, तो बाकी दोनों चीजें फिक्स हो गई, पैरामीटर उसका ऑटोमेटिक फिक्स हो गया, फिर चेंज नहीं कर सकते। ये दो फैक्टर आ गए ना, दो चीजें आ गई, 2l + b क्या होता है, परिमाप होता है, ये है परिमाप, ये भी फिक्स कर दिया तुमने, ये भी, तो चौड़ाई भी फिक्स हो गई, चौड़ाई भी क्या हो गई, फिक्स हो गई, क्षेत्रफल भी फिक्स हो गया उसी के साथ साथ। तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। फाइंड ए सेट ऑफ नंबर जिनकी मीडियन 4 हो, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। लिस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 से 8, ये भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। टेल मी एनीथिंग, एनीथिंग मतलब ओपन, तो बी और डी ओपन है, बी और डी ओपन, ए में ही दिया हुआ है कि ए और सी क्लोज है, बी और डी ओपन है, सवाल का आंसर होगा ए, ए में दिया हुआ है ए और सी क्लोज है, बी और डी ओपन है। अगला सवाल ये रहा भाई, सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स, क्या करना चाहिए, डिजायरेबल, स्टूडेंट शुड बी टोल्ड टू प्रिस्क्राइब स्टेप्स फॉलो नहीं करवाने, ओपन एंडेड क्वेश्चन, शुड बी अवॉइडेड, बहुत गलत, ओपन एंडेड पढ़ाओ, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग मतलब बच्चा खुद समझे, खुद कॉन्सेप्ट की अपनी एक समझ बना ले, वो सबसे जरूरी है। सी, अरे यार मास्टर जी आपने तो गजब ही पढ़ा के भेजा था हमें, बेटा अगर मेरे पढ़ाने के बाद पेडागोजी में 13 नंबर ना आए। एक बच्चा है जिसे 2 फिगर्स के बीच का रिलेशन पता चल गया, मैंने कितनी बार बोला तुम्हें स्क्वायर और रेक्टेंगल बच्चे को अलग अलग समझ आ जाए, मतलब लेवल 2 पे है, मैंने ये भी कहा था लेवल का ध्यान रखना, क्योंकि CBSE नाम कुछ भी कर देती है, जैसे हमने जो नाम पढ़े वो इनफॉर्मल नाम है, इन्होंने थोड़ा इजी करने के लिए क्वेश्चन को रिलेशनशिप बना दिया जिससे तुम आसानी से समझ जाओ कि एक बच्चा संबंध समझ रहा है तो वो किस लेवल पे, लेवल 2 पे, लेकिन अगर संबंध का कारण समझ जाए, प्रूफ दे दे उसका, तब लेवल 3 पे जाता है, ये बात आप याद रखना। रेक्टेंगल स्क्वायर बच्चे को पता चल जाता है कि अलग अलग है तो वो इनफॉर्मल लेवल पे आ जाता है, किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है भाई, ठीक है, मैंने इसे ध्यान से भी पढ़ा, हो सकता है कोई पॉइंट मिस कर रहा हूं मैं। क्या सबसे कम इंपैक्ट डालेगा टीचिंग लर्निंग पे, कि किसी बच्चे को कंप्लीट सॉल्यूशन दे देना गलत आंसर का, ये मुझे इसका आंसर लगता है कि इससे कम प्रभाव पड़ेगा। पूरा सॉल्यूशन मत दीजिए, थोड़ा बताइए, एक आइडिया बता के छोड़ दीजिए, आप उसे पूरा का पूरा सॉल्यूशन नहीं देते हैं। बाकी फीडबैक की क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, रिजल्ट का आप
असेसमेंट जो है आप अपनी टीचिंग को मॉडिफाई करते हैं, बिल्कुल करते हैं, आपको वो तरीकों का पता होना चाहिए कि कहीं मेरे असेसमेंट से बच्चे के मन में डर तो नहीं पैदा हो रहा है। तो मुझे इसका आंसर ए लगता है फिलहाल के लिए, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बच्चों को पूरे क्वेश्चन का हल दे देना तो उनकी सोच को रोक देगा। आप जहां डाउट आ रहा है उतना डाउट क्लियर करके उसे खुद करने दीजिए। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, गलत ढूंढना काफी आसान रहता है। कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट हैज नो रोल। भाई संदर्भीकरण के बिना पढ़ा के करोगे क्या, डेली लाइफ से कनेक्ट नहीं करोगे फिर पढ़ा क्या रहे हो। इस सवाल का आंसर होगा सी, ये गलत बात है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज होल नंबर। तुम्हें पता है, मान लिया तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं पता, जबकि मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी अपनी क्लास में पेपर टू वालों को पढ़ाने के चक्कर में तुम्हें भी पढ़ा रखी थी कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। इंटीजर्स जोड़ पे बंधे हुए हैं कि इंटीजर्स का जोड़ करो वापस इंटीजर में आ जाएंगे, ये पढ़ाया था। तो आंसर तो क्लोजर है, लेकिन तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटिव भी पता है, कम्यूटेटिव भी पता है, एसोसिएटिव भी पता है। ये क्या होल नंबरों वाली प्रॉपर्टी है, ये तो नंबर ऑपरेशन पे प्रॉपर्टी लगती है। ये सारी प्रॉपर्टी संक्रियाओं पे लगती है कि जोड़ पे लगेगी, घटा पे लगेगी, गुणा पे, भाग पे, कहां लगेगी कहां नहीं लगेगी, ये उसके लिए है। क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इनके लिए बनाई गई है। ये नंबरों के लिए, नंबर ऑपरेशन के लिए, बाकी तीनों मारो शेर दबा के यार। इतना कोई सवाल, मैं यही खड़ा हूं, तुम्हें बोला था कि बता देना मुझे कोई सवाल पढ़ाए वैसे बाहर आ जाए। तो दो सवाल तो उसी बात पे आ गए कि एक लाइन बस देख लेना, एक लाइन, ज्यादा मत देखना, एक लाइन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट प्रमोटिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर टेक्नोलॉजी मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ। सबसे इंपोर्टेंट एस्पेक्ट की गणित को बच्चे के जीवन का हिस्सा बना दो। अगला आपका आंसर, अगला जो सोल्यूशन आ रहा है वो किसका आ रहा है सर, हिंदी का, हिंदी वाले सर तैयार है। लास्ट सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिगार्डिंग टीचिंग नंबर एट प्राइमरी लेवल। देखो नंबरों के बारे में इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन सीबीएसई की मान्यता भी कंफर्म नहीं हो पाई। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर शुड बी इंक्रीज। इंट्यूटिव बहुत बढ़िया, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इस बात को मैं मानता हूं, इस बात के मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि आप इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग को आगे चलने देंगे। राइटिंग नंबर शुड बी टॉट इन सीक्वेंस, कि बच्चे को नंबर लिखना सीक्वेंस में ही सिखाएंगे, इस पे भी डाउट है। कुछ लोग अलग अलग भी सिखा देते हैं, जैसे ABCD भी जब बच्चे को सिखाई जाती है आई से शुरू कर देते हैं, सिंपल से शुरू करते हैं। हो सकता है बच्चा एक नंबर ना लिख पा रहा हो, तो आप कुछ इजी नंबर की तरफ जा सकते हैं कि इसे ऐसे लिखेंगे। राइटिंग ओन नंबर्स एज न्यूमरल शुड बी प्रीसीड काउंटिंग। बच्चे को पहले न्यूमरल मतलब लिखना सिखा दो, गिनती मत सिखाओ। सी तो बिल्कुल गलत है, जहां जहां सी आया उसे तो मैं छोड़ ही दूंगा, जहां जहां जिस जिसने सी का दामन थामा उसे छोड़ दो। उसके बाद ऑर्डर इररिलेवेंस ऑफ नंबर शुड बी एनक्रेज। डी देखो भाई, बच्चे को कटवा गिनती सिखाई जाती है तो मैं ए और डी पे चला जाता हूं। बी भी गलत नहीं है, मतलब सीक्वेंस में भी सिखाते हैं, अलग भी सिखा देते हैं, लेकिन बच्चे को कटवा गिनती तो सिखाई जाती है, कटवा गिनती बच्चे को, और उस पर जोर भी देना है, तो मैं भाई डी के साथ जाऊंगा। ठीक है, ए और डी, इसके साथ मेरा पेपर हो गया खत्म। कैसा रहा पेपर देके, कैसा लगा एक बार बताओ। 60 का बी होगा भाई, ये तुम्हारी इच्छा है, तुम क्या लगाना चाहते हो। पंकज जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं मोस्ट करेक्ट ले रहा हूं। सी तो मैंने छोड़ ही दिया कि बच्चे को लिखना पहले सिखा दो, गिनती बाद में सिखाओ गया। दूसरा, कटवा गिनती का महत्व होता है, और मैंने इसे भी नकारा नहीं है, मैंने बताया है कि आप कई बार जब बच्चा मान लिया 3 की गुंडी उससे बनी नहीं रही तो 4 सिखा दो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा फिर वापिस आ जाएगा। क्या सर, आ जाइए सर, मुझे बताइए क्या हिंदी में ऐसा होता है बच्चों को कह कह के क्रम से ही लिखना सिखाया जाता है। सर कभी भी ऐसा नहीं होता, क्रम से नहीं सिखाया जाता। जब बच्चा स्कूल में आता है पहली बार, फॉर्मल हो रहा होता, वो तो कहीं से उसे दिखा के स्टार्ट, जैसे ABCD में भी आई से स्टार्ट कर देते क्योंकि आसान है, उन्हें पहले दिखाते हैं फिर बनवाते हैं, फिर बनवाते हैं। तो आप कुछ भी सिखा सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, कोई फिक्स्ड है, और कोई टीचर यूज भी कर रहा है तो मैं कर भी सकते हैं, कुछ ऐसा भी नहीं है। लेकिन भाई डी तो बिल्कुल सही है कि कटवा गिनती सिखानी है। क्या सर, कटवा अल्फाबेट्स नहीं सिखाए जाते? बिल्कुल सिखाए जाते, बिल्कुल। आ जाओ सर, अब आपका पेपर लगा दूं। हाँ बिल्कुल सर, हिंदी लैंग्वेज 2। हाँ एक सेकंड सर। तो अब आप सभी आ चुके हैं, अब हम हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे फटाफट से, जल्दी से जुड़ जाएं आप सभी। एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई, सबको बता दो कि स्टार्ट हो गया। एक सेकंड सर, मैं ये कह रहा हूँ कि निखिल सर को ले लेते हैं और स्ट्रीम वो वहां से स्टार्ट कर लेंगे अपनी।
हाँ मैं एक सेकंड ठीक है ठीक है। तो हमारे साथ अभी निखिल सर जुड़ रहे हैं और सर जुड़ रहे हैं भाई, उनका फिर पेपर टू का पेपर भी है और तो पेपर वन सर आ रहे हैं मैदान में आ जाएंगे, तब तक सर उन्हीं की मदद से हुआ है आपका हिंदी लैंग्वेज टू, हिंदी लैंग्वेज टू सर ये भाग दो। हाँ सर फटाफट से भाग दो भाग एक सब करवा देते हैं। भाग दो करवाना है भाग एक करवाना है, भाग दो पहले करवाना है भाग दो। हाँ लैंग्वेज मतलब ये लैंग्वेज टू में हिंदी ज्यादा लेते हैं बच्चे। चलो सर ये डाउनलोड हो गया आपका। सर आप को इसे हैंडल करना आप बता देते हैं करना क्या सर, आप आंसर आंसर मतलब आप यहाँ से ऊपर नीचे करिएगा। क्या शिवम सर जूम के थ्रू हो जाएगा? जूम के थ्रू हाँ जी, फोन से वो कर देंगे सेंटर से ही। नहीं जूम से मैं यहाँ कैसे कनेक्ट करूँ इसमें जूम? नहीं वही तो मुश्किल है ना इसका डिस्प्ले कैप्चर। सर आप रुक जाते हैं ठीक है, आप रुक जाते हैं मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है सर करिए ठीक है। ये सर पेन से आप करते रहिए। शिवम सर मैं ऐसे नहीं कर सकता? हाँ ऐसे भी कर सकते हैं आप रहिएगा। तो भाई फटाफट से देखो आप, सबसे पहले लैंग्वेज टू इसलिए करवा रहा हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जो पहले लैंग्वेज वन लेते हैं तो भैया पहले लैंग्वेज वन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए पहले हिंदी का सेशन, लैंग्वेज टू का फटाफट स्टार्ट करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? ऊपर टच कर दीजिए आ जाए सर, ऊपर नीचे हल्का सा नीचे सर जहां वो आता है बस ड्रॉ पे बस। कौन सा कारक चिन्ह नहीं है? तो कर्ता ने कर्म को करण से के लिए, संप्रदान के द्वारा उपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, और अधिकरण में पर। तो साहब आपको पता चल गया कि जो ये और है ये नहीं होगा, बाकी ये सब जो है कारक चिन्ह है। इसमें पूछा था कौन सा कारक चिन्ह नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन, अच्छा पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है, प्रश्न फिर से ध्यान से देखना, पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है, कीमत, विषय, सामग्री, आयु वर्ग। अब बच्चों ने ये सबसे ज्यादा लगा दिया होगा, कम ध्यान ही नहीं दिया होगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इन्होंने लगा दिया होगा आयु वर्ग। क्या जवाब होगा इसका फटाफट से एक बार पैसेज देख लेते हैं, इसके नीचे पैसेज होना चाहिए। आप देखेंगे विषय सवाल ऊपर है कुछ ऊपर करो सर आप। नहीं इसके ऊपर का कर दिया, ऊपर है सर सवाल और ऊपर है, आपने बहुत नीचे आ गया। ये तो देखो आप कहाँ रखे हो, सर देखो एक सेकंड रुक जाओ यहाँ से शुरू है सर, ये सर आपके एक ही पेज पे सवाल है, 121 उधर है 122 इधर है, आपने 121 एक सेकंड 121 करा दिया सर, 121 करवा दिया। हाँ जी तो ये आप मुझे बता दो, आप 122 कहते हैं पुस्तक का चयन किसके आधार पर करना चाहिए? तो भैया आपको पता है आयु वर्ग के आधार पर करना चाहिए, जिस बच्चे के अनुसार हो उस वर्ग के अनुसार किताब का विषय और सामग्री उस लिखा है, आयु वर्ग के हिसाब से ही होना चाहिए। ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। सर छोटे बच्चों की पाठ्य पुस्तक का मुख्य विषय क्या होना चाहिए? तो भैया दैनिक जीवन से, इसमें लिखा है दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। क्या सर कहते हैं बच्चों को कैसे शब्द दोहराना? तो भैया अगर कोई भी चीज मजेदार चीज रहेगी तो वही बार बार करने अच्छा लगेगा बच्चों को, सरल जटिल लंबे से इसमें दिया नहीं है, मजेदार चीजें दोहराना अच्छा लगता है। यहाँ पे आपने देख दिया मजेदार शब्द वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। कहते हैं सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का क्या महत्व है? लिखने में कुशलता, बच्चों की कहानी को याद करने में घटनाओं याद हो सकती है, नहीं भैया पढ़ने में कुशलता होता है, यहाँ पे दे रखा है कि भैया पढ़ने में कुशलता आएगी। फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखते हैं पुस्तक चुनते समय किसे सबसे ज्यादा महत्व देंगे? तो जिस विषय को आप महत्व देंगे, सामग्री को महत्व देंगे, आयु वर्ग को महत्व देंगे, सबसे कम कीमत को महत्व देते हैं। आगे बढ़ते हैं छोटे बच्चे, तो छोटा बड़ा लंबा मोटा या आकार बोधक जो है गुणवाचक विशेषण है। तो
तो भैया ये आपका जवाब हो गया गुणवाचक विशेषण। पुनरावृत्ति जो है पुनः जमा आवृत्ति, ये आपका हो जाएगा बच्चे विसर्ग संधि सी ऑप्शन। पुनः प्लस आवृत्ति, पुनः प्लस आवृत्ति, ये र में बदल जाता है, विसर्ग बदल जाता है र में, इसके बाद आ है तो ये बन जाता है रा, और इधर बचा है वृत्ति और इधर बचा है पुनः, तो हो जाता है पुनरावृत्ति। आगे बढ़ते हैं सर। 129 सवाल। हाँ, समूह में भिन्न है तो आप देखेंगे लाल लाल विशेषण है, लंबी लंबी विशेषण है, लंबी लंबी छोड़ता है, दुबली पतली लड़की, ये भी विशेषण है, कभी कभी ये क्रिया विशेषण है। समूह से भिन्न है, समूह से भिन्न, और मैन आउट करना था सर, कभी कभी। इसमें चिनार लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है, क्वेश्चन था कौन सा नहीं है, तो आप देखते हैं कि भाई आसानी से पॉलिश हो जाती है, आसानी से नहीं कटती है, आसानी से नहीं टूटती है, यहाँ पे आपका जवाब होगा आसानी से कट जाती है, क्योंकि इसमें सब दे रखा है कि लकड़ी का घनत्व तो अधिक होता है, मजबूत होती है, कठोर होती है, सफेद रंग की होती है, मध्यम आकार की होती है, कटती। चिनार का तना होता है, आप चिनार का तना कैसा होता है, तो यहाँ पे दिया है खुरदरा होता है, ये सब तुम्हें उसमें दिया, उसमें नॉलेज क्या हुआ, पैसेज में दिया हुआ है सारी बातें सर। ये वाले सवाल, एक सेकंड ज़ूम करो सर, बताओ यहाँ चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है, तो आप देखेंगे शरद ऋतु दिया हुआ है, शरद ऋतु में, शरद ऋतु का मतलब क्या होता है आपको पता है, सर्दी होता है, तो आपका जवाब हो गया शरद ऋतु, सर्दी में बदलता है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं इनमें से कौन सा शब्द समूह भिन्न है, ऑड मैन आउट आपको देखना था, यहाँ पे दिया था लंबी दरारें, सब में विशेषण दे रखा था, लेकिन यहाँ चिनार वृक्ष दिया था, इसलिए ए जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, कहते हैं चिनार की लकड़ी कैसी होती है, तो अभी आपको मैंने बताया चिनार की लकड़ी सफेद होती है, पैसेज में दिया हुआ था। अब यहाँ पे आता कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते, तो यहां पूछा था विशेषण आपको बताना था कैसा है कैसी है, क्वेश्चन करके कैसे फर्नीचर नहीं बनाए जाते, तो कीमती फर्नीचर नहीं बनाए जाते। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, यहां ये कर लेते हैं पोर्टफोलियो वाले क्वेश्चन। भाषा अर्जन में बार बार कहता हूं, अर्जन और अधिगम से जरूर क्वेश्चन आएगा, जब भी अर्जन की बात आएगी चौमस्की चौमस्की चौमस्की, ये रटा रखा है बच्चों को सिर्फ। कहते हैं लेखन की क्षमता का आकलन निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है, यहाँ पे बच्चों की कहानी को शीर्षक दीजिए, शीर्षक कहानी लिखिए, कहानी का अंत बदल कर लिखिए, तो आप अगर बच्चों को कहानी लिखवाते हैं तो वो बच्चा अपने अनुभव के अनुसार व्यक्त करेगा, अभिव्यक्त करेगा। पोर्टफोलियो मैंने कहा था कहीं पे भी अगर आपको पोर्टफोलियो दिख जाए तो क्रमिक विकास लिख देना, जहां क्रमिक लिया लिखा होगा शब्द वहां पोर्टफोलियो कर देंगे, वहां पोर्टफोलियो कर देंगे, जहां क्रमिक दिख जाए, क्रमिक प्रगति का आकलन दिख जाए, पोर्टफोलियो कर देंगे। बीच में कुछ सवाल मिस हुए हैं। कहते हैं भाषा का मनुष्य की और के साथ गहरा संबंध होता है, तो आप देखेंगे ये अस्मिता और विचार के साथ गहरा संबंध होता है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ज्यादातर बच्चे शिक्षा की शुरुआत के पहले ही भाषा की किसके, तो आप देखते हैं चुनौतियों और प्रचलनों को लेकर विद्यालय आते हैं, चौमासकी का स्टेटमेंट है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है, उसके बाद चर्चा करती है, पहले सुनाती है, सुनने का विकास होता है, चर्चा कराती है, बोलने का विकास होता है, तो पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का चौथा जवाब होगा आपका। फटाफट एक बार जवाब दे देंगे, क्या जवाब होगा, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, सर्वाधिक योगदान क्या होगा, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां कराई जाए, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे उचित यह होता है कि हम उन्हें बाल साहित्य की पुस्तकों को पढ़ाएं। सर हाथ ना लगाएं, या तो आप अपना पैर लगाएं या हाथ लगाएं, एक चीज का इस्तेमाल कर लें सर। आ जाओ सर बताइए, हमने कहा कि भाई छोटे बच्चों को पढ़ा,
टच हो रही है, प्लस पर है गया ज्ञान। तो छोटे बच्चों के लिए हमेशा याद रखना है बाल साहित्य सबसे बढ़िया होता है, अलग अलग प्रकार के बाल साहित्य पढ़ाए जाए। आगे बढ़ते पढ़ने का मतलब क्या होता है? वो धोगे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। पढ़ने की कुशलता, मैंने कहा पढ़ने का मतलब होता है अर्थ ग्रहण करना, तो अर्थ निर्माण अगर कर पा रहा है, पढ़कर अर्थ समझ पा रहा है, तो ये पढ़ने की कुशलता तभी कहलाएगी। 143 भी नहीं हुआ सर। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास, तो जब भी आप देखते हैं कि संयुक्त परिवार में बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका मिलता है, परस्पर अंतःक्रिया करके ही भाषा सीखता है बच्चा। आगे बढ़ते हैं, अगला जवाब देते हैं, क्या जवाब होगा फटाफट से? ये इस पे आ जाइए। पहली दूसरी कक्षा के अनेक बच्चे हिंदी सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो भैया स्वीकार है। आप देखते हैं कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करे तो उसका सम्मान करना चाहिए, यह स्वीकार्य है। यहाँ पे अगर दूसरे भाषा का प्रयोग करती है, मान लीजिए गुजराती भाई बहन सिखा रहे हैं, तो ये बहुभाषिकता को संबोधित करना हुआ, अगर बच्चों को अपने भाषा बोलने का मौका दिया जा रहा है तो। सर कहते हैं प्राथमिक स्तर पर सीखने सिखाने, प्राथमिक स्तर पर सिखाने के लिए सबसे बढ़िया है कि उन्हें एक समृद्ध संप्रेषण का वातावरण दें, लिखने का बोलने का मौका दें, वहां पे सबसे बेहतरीन जवाब होता है कि समृद्ध वातावरण दिया जाए। ये हो गए सर, ये क्वेश्चन ये ऊपर से शुरू कर लो सर। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर देना, तो मैंने कहा बार बार जब प्राथमिक स्तर पर हम इसी को महत्व देते हैं, बाल साहित्य पढ़ने के अवसर देते हैं सबसे ज्यादा। क्रम से कौशल नहीं सिखाए जाते, केवल गलत हो जाएगा, बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होती है, बिल्कुल गलत है। अब बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है, तो आप बच्चों का भाषा विकास अगर करवाना चाहते हैं तो भाषा प्रयोग के अवसर देंगे तभी भाषा का विकास होगा छोटे बच्चों को। कहते हैं माया अक्सर लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है, अगर छोटा बड़ा लिख रही है तो भई उसमें परेशानी है, लिखने में परेशानी को हम डिसग्राफिया कहते हैं। हमने कहा तीन बीमारियां हिंदी में पूछी जाती हैं, तो ये आपका जवाब हो गया। अभी हिंदी के सारे क्वेश्चन, अब इंग्लिश की क्वेश्चन आप सभी करेंगे, तैयार हो जाए फटाफट से। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आप लोग इंग्लिश का, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं हमारे वो लैंग्वेज टू में काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश को मतलब इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि लैंग्वेज टू जो है वो इंग्लिश काफ़ी बच्चे लेते हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले लैंग्वेज टू करेंगे इंग्लिश का, और फिर उसके बाद जो है हम लैंग्वेज वन करेंगे। अभी आप लोगों का EVS भी बाकी है, तो देखिए हम यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि आपको मेजर लीव जो आपको फोकस करना है वो ये है कि भाई आपको हम आंसर बता दें, आंसर आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर आप लोगों को आंसर पता चाहेगा तो ऑब्वियस बात है कि आप लोग सब जने फटाफट से इस चीज़ को करने लग जाएंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल सर मेल भी करा हुआ है, ठीक है सर, हाँ सर इसी तरह से आया ये, तो हमें थोड़ा इसको इसी तरह से लेना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स भाई जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है वो देख लो, और देखो अल्टीमेटली आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना आंसर चेक करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं है। तो मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगी इसको, बस हम थोड़ा सा वाइड कर देंगे अगर हम कर सकेंगे तो, दैट वुड बी वेरी गुड। सो देखो यार सबसे पहला सवाल आपको यहाँ पे जो ये पूछा था, ये और पूछा था, तो और आप सबको पता है क्या होता है, और हमारे लिए एक कंजंक्शन होता है, तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ पे जाते हैं बिल्कुल, तो हमारा हो जाता है और कंजंक्शन। भाई हैंडराइटिंग इज यूज्ड बाय ग्राफोलॉजिस्ट, भाई हैंडराइटिंग पे पैसेज था तो ऑब्वियसली बात है। नेल क्रिमिनल्स मतलब हम नेल नहीं करते हैं, या प्रिडिक्ट अबाउट पर्सन्स फ्यूचर क्रिमिनल टेंडेंसी भी नहीं, हम क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं, बाकी सारी चीजें कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स इसका आंसर आपका फर्स्ट है, ठीक है।
गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। अगर हम 123rd की बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि पर्सन की मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से और बहुत डिटेल तरीके से बताया गया है। ठीक है, फिर अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे सामने है, पर्सन जो है भाई वो कैसा बताया गया है। तो ऑफकोर्स वो जो इंसान है वो आपका इंट्रोवर्ट बताया गया है। ठीक है, कैसा इंसान बताया गया है आपका, वो इंसान इंट्रोवर्ट इंसान बताया गया है जो हमने यहाँ पे देखा है। आप लोग अपने आंसर्स भी इन जनरल तरीके से भी आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको टिक कर देंगे इस आंसर को, मतलब आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका क्या है, अटेंशन सीकिंग या कॉन्फिडेंट पर्सन क्या करता है भाई, वो लार्ज हैंडराइटिंग लिखता है, हम उस पे लार्ज पे यहाँ पे उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो भाई यहाँ पे हमारा आंसर इंट्रोवर्ट हो गया है, यहाँ पे हमारा लार्ज लेटर्स आंसर हो गया। ठीक है भाई, आगे आपका 126 क्या पूछ रहा है भाई, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपका ए स्टेटमेंट फॉल्स है और बी, तो यहाँ पे जिन्होंने भी तीसरा पुट किया है उन लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर होना चाहिए तीसरा यहाँ पे। ठीक है भाई, नहीं और एक मिनट, कोई बात नहीं, आप लोगों का काम है यहाँ पे कि आप लोग सब जने आंसर्स यहाँ पे अपने चेक कर ले, जो कि क्योंकि पैसेज में आपका अगर क्लियर रहेगा चीज़ें तो ऑब्वियसली बात है कि आपको यहाँ पे बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। भाई वेरीफाई जो है आपका उसका क्या आंसर होगा, वेरीफाई मतलब होता है बेसिकली कन्फर्म करना, जब हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, कन्फर्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वेरीफाई आपका हो जाएगा कन्फर्म, इसका मैंने आपको थर्ड बताया था, इसका लास्ट लेटर्स मैंने आपको बताया था, जो कि हम क्लियर थे यहाँ पे आंसर्स को लेकर। भाई रिवील का ऑपोजिट क्या होता है, रिवील का ऑपोजिट होता है कंसील, क्योंकि लैंग्वेज टू है आपके दो पैसेजेस आए थे, तो फटाफट हम दूसरे पैसेज में भी चलते हैं, नीचे जाएंगे सर हम लोग। थैंक यू सर, ठीक है बहुत बढ़िया। देखो सिर्फ एकदम नंबर वाइज आपको दिए, भाई बोथ के साथ क्या आता है, बोथ के साथ आप सबने कंजंक्शन पढ़े हैं कोरिलेटिव, बोथ के साथ हमेशा एंड आता है, तो हमारा एरर किस में है, देखो आपको जनरल ग्रामर पूछी है बहुत आसानी से, तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो, ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है भाई, ऑब्वियसली बात है जिनको वो एक्विंटेंस थे सारे के सारे लोग, तो पीपल ही हार्डली न्यू। फिर हम आ जाते हैं भाई, कौन सा जो है नॉट गेट यूज, मतलब वो क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉय डज द ऑथर नॉट यूज टू गेट रिड ऑफ, कौन सा वो इस्तेमाल नहीं करता, कि उसके बहुत सारे गेस्ट हैं, स्कॉर्पियंस हैं, या देर इज एक्यूट वाटर स्कैसिटी, क्योंकि हमें यहाँ पे नॉट कौन सा प्लॉय कौन सी चीज़ वो नहीं अपनाया था, तो वो वाटर स्कैसिटी की मेरे हिसाब से वो बात नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम नीचे जाते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन में, 133 हमारा जो है यहाँ पे क्या लिखा है, पोस्टमैन क्या डिलीवर करता है भाई, सिंपल सी बात है वो इनवाइटिंग लेटर है, रिजेक्टेड मैन्युस्क्रिप्ट तो है बट साथ में बेसिकली महर्षि ने जो इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया उसकी बात करता है। रेडिली मतलब वो क्या है, वो इंसान एकदम रेडिली है, वो एकदम अच्छे से, वो एकदम रेडी है उस काम को करने के लिए, सो हमें सिमिलर मीनिंग बताना है, तो ही वॉज रेडी, सो प्लेनली नहीं होगा, हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे फ्रैंकली, मतलब वो एकदम डायरेक्टली उस काम को करने के लिए रेडी है। ठीक है, सोरिंग का ऑपोजिट होता है फॉलिंग, क्योंकि सोरिंग मतलब जब इंसान हाई जा रहा है, तो हम इसको ऑपोजिट क्या करेंगे यहाँ पे, फॉलिंग को यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे इंसान, अब सिंपल सी बात है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम हम बार बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि इंग्लिश बार बार इस्तेमाल हुई है। ठीक है, लर्नर इंडिपेंडेंट है, तो भाई बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, क्योंकि लर्नर इंडिपेंडेंट है तो वो एक लर्निंग एड खुद बना रहा है। रीडिंग कॉर्नर अगर हम क्लासरूम की यहाँ पे बात करते हैं, देखिए बेसिकली हम बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने की कहीं ना कहीं बात करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, ऑब्वियसली बात है। स्मॉल स्केल भाई, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सबसे पहले स्क्रिबलिंग करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सबसे पहले स्क्रिबलिंग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात के, पेंसिल से बच्चे जो बेसिक जो फर्स्ट स्टेज ऑफ राइटिंग होती है उसकी, भाई यही तो आपको डायरेक्ट CDP बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे हमें सब इसको थोड़ा सा हम अगर इसको एनलार्ज कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सो इसका आंसर था जो सोशल इंटरेक्शन प्रमोट करते हैं वो होते हैं आपके लीव वगॉत्स्की। ठीक है, परफेक्ट आंसर है सोशल इंटरेक्शन की जब हम यहाँ पे बात करते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम भाई बच्चे क्या कर रहे हैं, डायरेक्शंस लिख रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपस में इन जनरल वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। कैल्प आप सबको पता है कि जहाँ पे बच्चे का ब्रेन यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पे ऑफकोर्स बुक रिव्यूज की बात करते हैं। ठीक है, सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, सोसाइटी या लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सोशियो लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है उस चीज को, सोशियो लिंग्विस्टिक्स बोला जाता है। ठीक है सर,
थोड़ा सा, बस बस बस, तीन सवाल और बाकी हैं हमारे, ज़्यादा सवाल नहीं बच रहे हमारे, दो तीन सवाल ही बाकी हैं, ज़्यादा नहीं है, छः सवाल बाकी है, सॉरी। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या करता है भाई? सिंपल सी बात है, बच्चों को क्वालिटेटिव फीडबैक देता है। अल्टीमेटली क्या कर रहा है? बच्चों को क्वालिटेटिव फीडबैक दे रहा है, ठीक है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग किस चीज़ पे फोकस करेगी भाई? सिंपल सी बात है, अगर हम बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशंस देने की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। स्टीफन क्रिएशन की थ्योरी कौन सी इनपुट थी? इट वॉज अ कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट। कौन सा इनपुट था आपका? कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे भाई बच्चे आपस में खेल रहे हैं, बच्चों का कम्युनिकेशन हो रहा है, टीचर ने क्लास डिवाइड किया, बच्चों को बोला डिस्कस करने के लिए, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे होगा भाई? आपको क्या बताना है? फाइव, एंड आस्क देम टू डिस्कस व्हाट दे वुड डू इफ दे वर कॉट इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। सो देयर फ्रेंड फॉल्स डाउन, दे आर ट्रैप्ड, दे आर स्टक अप इन अ ट्रैफिक। तो कौन सी अप्रोच हुई कहीं ना कहीं बच्चों की? सिंपल सी बात है, बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है भाई। मॉर्फीम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं छोटे छोटे यूनिट्स में, तो ये हम सबको पता है, ये हमने जनरली पढ़ा है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है भाई, यहाँ पे हम क्या देखेंगे? टीचर इग्नोर नहीं करेगी उसकी मिस्टेक को, क्योंकि वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में गलती कर रही है। सो केयरलेस स्टेटमेंट भी नहीं है। डायलेक्ट, क्योंकि उसका वो डायलेक्ट है, वो स्पेसिफिक लोकेशन से बिलोंग करती है, तो ऑफकोर्स, ठीक है। आप उसका प्रोनंसिएशन भी क्लियर नहीं है, तो आप क्या करोगे एज अ लैंग्वेज टीचर? ऑफकोर्स आप उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस देने की कोशिश करोगे। एंड योर लास्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली इज, क्योंकि यहाँ पे टीचर बोल रही है बच्चों को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। नेक्स्ट हम ईवीएस के लिए सर को बुलाना चाहेंगे फटाफट से, स्टूडेंट्स चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, थोड़े से लाइक कम हो रहे हैं, मैम इतने सारे और इतनी जल्दी से सारी चीज़ें बता चुकी हैं। हाँ तो आ चुका है, देखिए पेपर पहुँच चुका है हमारे पास, और हम जैसे कि मैम बोल रही है कि फटाफट केवल क्वेश्चंस और आंसर्स, और उम्मीद करते हैं कि इस बार जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कराए हुए मिल रहे हैं। दो तीन क्वेश्चन जिनको अगर हम देखें थोड़ा सा डाउट में ले लें, तो वो दो तीन क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मिल जाता है 50 से अधिक कक्षा में छात्रों को। ओके सर, कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर हमें मिल जाता है वो सिंपल सा है कि स्मार्ट बोर्ड तकनीक का उपयोग करेंगे, जिससे कि वो सभी प्रकार की चीज़ों को, यानी कि जितने भी वो देख रहा है, समझ रहा है, वो सभी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल कर सकेगा, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या मिल रहा है? इकरा ईवीएस में समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित क्यों करती है? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि वो वास्तविक जीवन से जोड़ने में मदद करती है, ठीक है, ये यहाँ पर हम देख लेते हैं। देन इसके बाद अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन की एक युक्ति में क्या उपयोग किया जाता है? तो प्रश्न उत्तर, ये सारे करवाए हुए प्रश्न है, प्रश्न उत्तर करवाना जिज्ञासा बढ़ाने का एक माध्यम हमें मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, आपका घर एक्स है, वाई है, तो ये सिंपल करवाया हुआ है, एक व्यक्ति एक्स से चल रहा है, पहले कहाँ की ओर चला गया? पहले दक्षिण की ओर गया 125 मीटर, फिर 100 मीटर यहाँ गया, फिर उत्तर की ओर 125 गया, तो बीच की डिस्टेंस कितनी मिली? तो आंसर बहुत ही सिंपल है, वो है 100 मीटर पश्चिम की ओर, क्योंकि वाई से एक्स की ओर हमें देखना है इसे। अगला पॉइंट हम इसमें देखेंगे, नीचे देखिए, राज्य में तोरांग, तो कुडुकू लैंग्वेज आपने देखी होगी झारखंड की, तो झारखंड की कुडुकू लैंग्वेज जो है उसमें जंगल का मतलब तोरांग कहा जाता है। अगला पॉइंट, तो ये क्वेश्चन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिटेल में तो हम बाद में करते हुए चलेंगे, अभी आंसर तीसरा इसका आएगा, कौन सा सही नहीं है? तो यहां पर केवल कुछ नर मधुमक्खियां होती है, बाकी मधुमक्खियां नहीं होती हैं, तो यही स्टेटमेंट है जो गलत दिया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट, मिर्ची, तो मिर्ची को हम भोजन के बिना कल्पना कर सकते हैं, व्यापारी हमारे देश में ला सकते हैं, तो दक्षिण अमेरिका मैक्सिको के आसपास के रीजन का ये इलाका हमें मिल जाता है। सिंपल सा आया हुआ प्रश्न है, पौधे का में जड़ों का कार्य कौन कौन सा मिलता है पूछा गया, तो सिंपल था, खनिज पदार्थों का अवशोषित करना, डी बिल्कुल ठीक है, डी ठीक है। अब डी के साथ क्या मिलेगा? तो ह्यूमस प्रदान करना, ये भी पौधे का काम मिलता है, तो डी के साथ बी यहां पर हमें मिल रहा है आंसर, ये हमें मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है पूछा गया है? तो मणिपुर राज्य है, बाकी तीनों के तीनों क्या मिलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश मिलते हैं। अगला पॉइंट, कच्चे तेल पेट्रोलियम के लिए बॉम्बे हाई बहुत ज़्यादा फेमस है, बॉम्बे हाई को हम जानते हैं कि बॉम्बे हाई बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसी बॉम्बे हाई से हम क्या देख लेते हैं? हम ये देख लेते हैं कि
बॉम्बे हाई और वेस्ट बंगाल में जो मिलता है वो हमें पेट्रोलियम मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से संविधान किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, काफी फेमस। पोचमपल्ली, पोचमपल्ली कहाँ का एक जिला है? दक्षिण भारत का एक राज्य, सुंदर डिजाइन के लिए, साड़ियों के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश हमें बताया गया है आंसर में, लेकिन मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश ना दिया गया हो तो आंसर क्या लगाना है? तेलंगाना। सिंपल करवाया हुआ क्वेश्चन। खाद्य पदार्थों का समूह जिनमें लौह तत्व मिलता है, बिल्कुल कितने बार करवा दिया है? आंवला, पालक और गुड़। तीसरा, अगला पॉइंट, पश्चिम पंछियों का समूह हमसे चार गुना ज्यादा स्पष्ट देख सकते हैं, चील, बाज और गिद्ध। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण लोग ढालू छत वाले लकड़ी के मकानों पर मजबूत बांस के खंभे से, तो बांस के खंभों के जो घर बन रहे हैं वो असम पर बन रहे हैं। दिल्ली की राजधानी, दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर, तो अगर हम भारत का मैप देखते हैं तो इस तरीके से भारत का मैप, यहाँ दिल्ली, यहाँ गांधीनगर है और यहाँ पर क्या मिलता है हमें? पटना मिल जाता है, और पटना तो ये आ जाएगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तीसरा वाला आंसर इसका सही रहेगा। मटर के पौधों में एक्सपेरिमेंट करने का काम ग्रेगन जॉन मेंडल ने किया था, आनुवंशिकता के पिता इनको कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के 6 विषयों में से, यानी कि थीम, ये हर बार मैं आपको बोलता हूँ कि भाई थीम याद कर लो कौन सी है कौन सी नहीं है, तो 6 थीम में से जो नहीं मिलती है, सॉरी जो है वो चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक, अगला पॉइंट इसके बाद हम देखेंगे, तो फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर दो सभी लोग। क्या बोल रहा अगला? हाँ, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं शामिल किया जाता है? ठीक, एंड कॉर्डनल रिकॉर्ड्स में, तो इसका सही जवाब मिलता है हमारे पास सी और डी, इसको शामिल नहीं करते हैं। ठीक, ये मजबूरियाँ, कमजोरियाँ, रुचियाँ संबंधी की पहचान नहीं की जाती है। ईवीएस को इंटीग्रेटेड करने का मतलब क्या होता है? पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक लेकर के आना, पाठ में दो या अधिक विषयों को एक साथ मिला देना कहा जा सकता है, अलग योजनाओं के सभी विषयों को अलग कर देना, नहीं ये भी नहीं है, विज्ञान सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापक, तो अलग नहीं है, इंटीग्रेट मतलब जोड़ देना है हमें। अगला पॉइंट देखते हैं इसके बाद क्या हो जाएगा। पुनीत अपनी कक्षा 5 के विद्यार्थी को भोजन से पहले पाचन तंत्र बोलता है, ड्रॉ कर लो। ठीक है, पाचन तंत्र बनाने को पहले मतलब पढ़ाने से पहले, तो पढ़ाने से पहले मूल्यांकन तो नहीं किया जा सकता है। ठीक, परीक्षण करना कि नामांकित आरेख बना सकता है नहीं बना सकता है, तो ये भी नहीं है, लेकिन ये जरूर कि पाचन के संबंध में बच्चों के विचार क्या होंगे, ये हमें यहाँ पर मिल जाता है। रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो इसके बारे में कौन सा हमें मिल जाता है? तो सिंपल सा पॉइंट मिलता है 83 जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो वो हमारे पास मिल जाता है तिमाही। हाँ, कौन सा नहीं है, सॉरी नहीं है, मैं है ढूंढ रहा था भाई, कौन सा नहीं है, तो हर बार तिमाही में सूचना दी जाए, हर तीसरे चरण में किया जाए, ये नहीं मिलता हमें। स्मिता ने लैंगिक विषय के संबंध में बच्चों के बारे में बताने के लिए कहा कि भाई कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, रूढ़िवादी छवियों के बारे में, तो इसका सिंपल सा जवाब है, देखो एक छात्र की माता को बुलाना ये बहुत ही गलत है, तो ये तो गलत है, मॉडल दिखा देना गलत है, लेकिन फ्लैश कार्ड के द्वारा हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि बच्चों ये देखो इस तरीके के सारे काम किए जाते हैं। ठीक, तो एक बार फटाफट से सेशन को यार जल्दी से लाइक कर दो भाई, 100,000 प्लस लाइक हो जाने चाहिए। अगला पॉइंट, कक्षा चार में समयन आमतौर पर, समयन एक छात्र है जो आमतौर पर क्या कर रहा है, अपना दिया हुआ कार्य नहीं कर पाता है, तो मुद्दों को हल करने का मतलब ये काम क्यों नहीं कर पा रहा है, इस चीज को सबसे अच्छा उपाय क्या होगा कि हम उसकी कठिनाइयों का पता लगाएं, देखें कि वो क्या और किस किस तरीके से चीजों को कर रहा है। अगला, परिवहन में डीजल के वाहनों को तो बैन कर देना चाहिए भाई, डीजल की गाड़ियों को बैन कर दोगे तो फिर क्या करना है हमें, तो इस मुद्दे पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करवाना कि का मकसद क्या है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो, तो वाद विवाद प्रतियोगिता को आयोजित करवाने का मकसद क्या मिलता है हमें? छात्रों के दृष्टिकोण की सराहना कर देना, तो सराहना नहीं करनी है हमें यहाँ पर, बल्कि हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि छात्रों के लिए परिवहन के डीजल को प्रतिबंधित लगाने के लिए संवेदनशील बनाना, नहीं ये भी हमें नहीं करना है। वाद विवाद में हम क्या कर रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि बच्चे कौन कौन से विचार रखते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मतलब आंसर थर्ड आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, ईवीएस में मानचित्रण, तो ये कितने बार बताया है भैया, मानचित्र पढ़ना सीखेंगे तो क्या करेंगे हम, सापेक्ष स्थानों की दूरियों की मदद करने की बात करेंगे, तो 81 का 1 हमारे पास मिल जाएगा 87 का। नेक्स्ट,
ईवीएस की एकीकृत मतलब ईवीएस को इंटीग्रेटेड कर देना। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, ईवीएस को भाषा के साथ और गणित के साथ पढ़ा देना है हमें, ईवीएस को भाषा और गणित के साथ पढ़ा देना है। तो उसका मतलब क्या भाषा गणित के साथ पढ़ाने का, तो दी गई सूचनाओं का नहीं, सूचनाओं को नहीं देना है, पाठ्यक्रम का भार कम करने और विशिष्ट प्रकरणों में पेश करने नहीं, विशिष्ट स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक गलत हो गया है ये विशिष्ट प्रकरण, बल्कि क्या किया गया है, पाठ्यचर्या का भार कम करने और शिक्षार्थी को सार्थकता पूर्ण सिखाने में मदद करेंगे हम, सार्थक सिखाना है हमें, ठीक है। ये यहाँ पर हम देख लेते हैं अगला पॉइंट, ईवीएस में कौन सा आकलन का व्यापक संकेतक नहीं है। फिर से ये क्वेश्चन हर बार आया, इस बार फिर वही वाली बात होगी कि कभी नए पैकेट में भेजा तुम्हें चीज पुरानी, तो कौन सी है ये अवधारणा, कंसेप्ट मैपिंग नहीं करेंगे। न्याय के प्रति और समानता के प्रति सरोकार याद करवाया था, ये होता है याद करो, पिछले साल के सभी प्रश्नों में ये दोनों एक ऑप्शन में हमें मिला करते थे, ठीक। अगला, कुछ हजारों सालों पहले तालाब में अलबरूनी, अलबरूनी के बारे में मैंने आपको कितना बताया भाई, इस बार अलबरूनी आया लेकिन दूसरे तरीके से आया है। तो अलबरूनी ने किताब लिखी है, उस किताब को बच्चों को क्यों पढ़ाना है हमें, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में मदद करता है। बिल्कुल पता चलता ना, अलबरूनी ने किताब लिखी, कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर बताया है, तो मदद करता है, बच्चे अवलोकन करेंगे तो यार किताब का अवलोकन थोड़ी कर पाएंगे, उन्होंने जो बताया है अलबरूनी बता करके चला गया, ठीक, मामला निपट गया। अब क्या होने वाला है, अब बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा, नेक्स्ट शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूदा तकनीक की सराहना करने में मदद मिलेगी, तो ये भी ठीक होना चाहिए। तो ए ठीक हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा, आंसर कौन सा मिल जाता है हमारे पास, आंसर बिल्कुल तीसरा सही मिल जाता है आंसर हमें, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हमें मिल रहे थे। चलो तो मैम मुझे लगता है कि काफ़ी हो गया है, आप कंप्लीट करना चाहिए। हिंदी वाले सर, ठीक है, लैंग्वेज वन के लिए। तो चलिए अब साथ में जुड़ जाइए और फटाफट से एक बार सेशन को क्या कर दो, जल्दी से लाइक कर दो यार, हिंदी वाले सर तुरंत ही आने वाले हैं, ठीक है। ऑल आर करेक्ट इन ईवीएस, भाई राहुल कुमार बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए था। और मैंने कहा था ना कि भाई जितने सेशन हमने करे, जितने सारे क्वेश्चन हमने कर दिए, उसके बाद अगर इसके यहाँ पर किसी के 25 में से कम आ गए ना यार, तो फिर गड़बड़ वाली बात है। तो आप इसी मामले में एक बार फटाफट लाइक कर दो भाई, एक बार सब लोग, इससे पहले कि हिंदी वाले सर आए। और हिंदी की जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड थी, लैंग्वेज सेकंड करवा चुके हैं सर, लैंग्वेज वन करवाना है, तो वो लैंग्वेज वन के लिए सर आ चुके हैं। सर ओपन कर दीजिएगा एक बार। चलो शिवम सर भी आ चुके हैं सर की मदद करने के लिए, लाइक और शेयर जरूर। हाँ देखो भैया शिवम सर कह रहे हैं लाइक शेयर जरूर कर दो और फटाफट से 1000 पार कर दो, ठीक। बिल्कुल जल्दी से कंजूसी नहीं करनी है, बिल्कुल दूसरा पेपर शुरू हो चुका है और इतनी ही जल्दी हम सेकंड पेपर की आंसर्स भी आपको बता देंगे। ये इंग्लिश आ चुका है, इसी में होगा शायद वो। तो लैंग्वेज इंग्लिश, चलिए देखिए फटाफट से। हाँ एक बार सभी लोग कर दीजिए, लैंग्वेज वन के लिए हिंदी वाले सर यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए सर आप। हाँ 28 से कम किसी में भी नहीं आ रहे, पंकज बिल्कुल सही बोल रहे हो, 28 से कम किसी में नहीं सर, 5 पेपर थे, 2-2 नंबर हर सब पेपर में कट गए, 140 आ गए पंकज, कमाल कर दिया, खुला सर। चलिए तो अब फटाफट से लाइक कर दो, सर पहुंच चुके हैं। नहीं ठीक है सर, चलिए एक मिनट और सर पेन लीजिए और आपको पेज ऊपर या नीचे करना, तो यहाँ जो ब्लैंक स्पेस है इससे हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, कमाल सर, बिल्कुल। हम मतलब अब तक परेशान थे, महेंद्र सर की जय हो, जय हो। हम परेशान हो गए इसे ऊपर नीचे करने में, परेशान हो गए सर। बड़े आसान आसान क्वेश्चन आए थे, जो पढ़ाया था मैं ये कहूँ कि वही आया तो वही आया था भाई। अब इधर देख लो, सबसे पहले वही पूछ दिया अपना पराया, अपना पराया में समास है क्या है, अपना पराया में कौन सा समास है, तो भाई यहाँ पे सामासिक चिन्ह आ गया, आपका जवाब हो गया कि भाई द्वंद्व समास है,
द्वंद्व समास है, हमें किसके अनुसार फल मिलता है, तो यहाँ पे लिख दिया गया है, यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार है उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। किसके अनुसार फल मिलेगा, तो भैया व्यवहार के अनुसार हमें फल मिलेगा। फिर जो है आगे बढ़ते हैं, कहते हैं शांति को कहाँ पाया जा सकता है, तो आप देखेंगे कि भैया शांति को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये आपको खुद से मिल जाएगी। आप भी इसे आजमा सकते हैं, महसूस होने लगेगा जिस शांति के लिए आप भटक रहे हैं वही, वो कहीं और नहीं है भैया, आपके अंदर है। तो आपका जवाब हो गया कि भाई शांति कहाँ मिलेगी, तो शांति स्वयं में मिलेगी, धर्म में नहीं मिलेगी, परिवार में नहीं मिलेगी, समाज में नहीं मिलेगी। तीसरा भाई इनमें से गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। तो भैया आपके ये तीनों आपके जवाब गांधी जी के बारे में दिए गए हैं। आप देख सकते हैं गांधी जी के बारे में सारी बातें यहाँ पे दी गई हैं। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता, सब कुछ किया, लेकिन गुलामों से आज़ादी ये नहीं किया गांधी जी ने। तो भैया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन संख्या 95 पे आते हैं। और 95वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो भैया व्यवहार का हिस्सा, अहंकार को कभी हिस्सा नहीं बनाना है। गुरु नानक की शिक्षाओं को सत्य असत्य की परिभाषा को नहीं, समाज और संवेदना। गांधी जी विश्व के नेता क्यों बने, आंदोलन के नेता थे, शांतिप्रिय थे, उन्होंने समान दृष्टि का व्यवहार किया, सभी के साथ समान दृष्टि का व्यवहार किया। एक बार पैसेज में आके आप देख सकते हैं कि भैया गांधी जी को नेता क्यों बनाया गया। तो इन दोनों प्रश्नों पे एक बार आप देख लेंगे, गांधी जी सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार रखते थे, इसलिए गांधी जी विश्व के नेता बने, गीता में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की तरफ, कहते हैं महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी जी में क्या समानता थी। तो ये सभी धर्मगुरु थे, सन्यासी से भारत में जन्मे थे, ऐसा नहीं है ये स्पेसिस मिल दिया, सभी ने मानव कल्याण के लिए काम किया, ये जितने भी आए भारत में मानव कल्याण के लिए काम किया। अब क्वेश्चन आया भाई कौन सा शब्द भिन्न है, तो आप देखेंगे वीरता, मित्रता जो है, मनुष्यता, ये सब गुण है भैया, ये मित्र गुण नहीं है, सब बाकी सारे जो है गुण है। आगे बढ़ते हैं भाई, अब यहाँ पे प्रश्न हो गया सबके प्रति दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो यहाँ आप पैसेज में एक बार जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, पैसेज में जैसे ही आपने देखा होगा कि सबके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो सबके प्रति समानता का व्यवहार होना चाहिए। गीता में कहा गया है कि भाई जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है, सबका मित्र होता है, सबके प्रति समानता का व्यवहार होना चाहिए, किसी के प्रति भटकाव का व्यवहार नहीं होना चाहिए, सबके प्रति समान दृष्टि का भी व्यवहार होना चाहिए, समानता का व्यवहार होना चाहिए। इसीलिए गांधी जी नेता बने थे और यही हमें करना है, समस्त रत्ती भर हमें भेदभाव नहीं करना है, मतलब समानता दिखानी है। आगे बढ़ते हैं भाई, फटाफट से आगे बढ़ते रहेंगे। अब अपने पास अगले क्वेश्चन की तरफ, अब ये आपका पद्यांश है, पद्यांश आपको दिख रहा है, देशवासियों सुनो, देश को नमन करो। पहला क्वेश्चन था भ्रष्टाचार, भ्रष्ट जमा आचार, और आपका ये हो गया दीर्घ संधि, आ और आ मिलके आ बनाते हैं, भ्रष्टाचार हो गया। क्वेश्चन अब अगला है कि भाई कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, कैसे कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ करोगे। लिखा गया है कि भाई देश को सुदृढ़ होगा मिटा के भेदभाव, भेदभाव मिटा के जो है क्या होगा, देश सुदृढ़ होगा, तो समस्त भेदभाव को दूर करके देश अपना सुदृढ़ हो रहा है। कहते हैं अगला क्वेश्चन आगे, कविता में नीति धर्म की ज्योति क्यों, तो जहां नीति धर्म दिया है आपको, देखते हैं नीति धर्म की ज्योति क्यों जो है प्रकाशित हो रही है, तो क्या करने के लिए, तो भ्रष्टाचार की उठ रही लहर और नगर नगर घोर अंधकार से सूझती डगर को दूर करने के लिए, तो इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ये प्रकाश जरूरी है। देश आज रो रहा है, देश के रोने का कारण क्या है, बाढ़ आ गई है, अशांति का वातावरण है, देश के नागरिक रो रहे हैं, तो भैया अशांति है इसीलिए तो देश रो रहा है, चारों तरफ अशांति फैली है इसीलिए देश रो रहा है। कहते हैं द्वेष का समन किया जा सकता है, किसके कारण किया जा सकता है, शासन के द्वारा, प्रेम के द्वारा, तो आप देखेंगे घृणा को, द्वेष को कैसे दूर करेंगे। घृणा को, द्वेष को कैसे दूर करेंगे, तो आप देखेंगे कि भैया द्वेष को प्रेम के द्वारा, घृणा को प्रेम के द्वारा, और पीयूष का मतलब होता है अमृत, और भैया अमृत का जो है विलोम शब्द हो गया विष, अमृत होगा नहीं, नीर का मतलब पानी होगा नहीं, क्षीर का मतलब जो है दूध होगा नहीं, तो
तो भैया अब अगला क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर से है, द्विभाषिकता। तो मैंने बार बार कहा है जो बच्चा द्विभाषिक होगा वो बुद्धि के रूप में महत्व होगा, बुद्ध जो है द्विभाषिकता और बच्चे विद्वत उपलब्धियों का सकारात्मक संबंध है। जो द्विभाषिक होगा बहुभाषी होगा, संज्ञानात्मक रूप से मजबूत होगा, मैंने बार बार कहा है और ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर। प्राथमिक स्तर पे हम ELSRW इसके लिए पढ़ाते हैं भैया, कौशलों के विकास के लिए, और कौशल का विकास भाषा प्रयोग के द्वारा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल, कहते हैं मौखिक आख जो है भाषा का आकलन करते हैं, तो संस्कृत निष्ठ भाषा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उच्चारण में शुद्धता से काम नहीं चलेगा, धारा प्रवाह कोई बोले नहीं, जो विचार हो ना वो सीक्वेंस वाइज हो, सही समय पर सही बोला जाए, सही तरीके से बोला जाए, ये जवाब होना चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं भाई, कहते हैं हम क्या करते हैं, हम भाषा के माध्यम से तो बच्चे सोचते हैं और विचार करते हैं, सोच विचार कहां करते हैं, भाषा के द्वारा करते हैं हम, सोच विचार किसके द्वारा करते हैं, तो भाषा के द्वारा हम सोच विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषा सीखने सिखाने का दायरा क्या नहीं होना चाहिए, तो भैया सब कुछ आप करें लेकिन भाषा का प्रयोग ना छूटे, यहाँ किससे नाता नहीं टूटना चाहिए, भाषा का प्रयोग नहीं छूटना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्राथमिक स्तर पर सीखने सिखाने के लिए बाल साहित्य, बाल साहित्य से ठीक है, दिख रहा है बच्चों को, दिख रहा है ना सर, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से भाई अगर किसी को दिख ना रहा हो तो प्लीज एक बार क्वालिटी जो है बढ़ा लेना और या बता दीजिए तो और भी जूम कर देंगे, वैसे जो है यहाँ पर मैं चेक कर पा रहा हूँ सारी चीजें क्लियर दिख रही है। भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, अलग अलग छटाएं प्रस्तुत करता है, ये जवाब हो गया आपका। तो ये 11 प्रश्न तक आपका जवाब हो चुका है, फटाफट से करते हैं। कहते हैं कहाँ से स्टार्ट शुरू करना चाहिए, तो अक्षर से स्टार्ट करना चाहिए, कक्षा में एक में लिखना कहाँ से प्रारंभ होना चाहिए, तो कक्षा एक का बच्चा वाक्य नहीं लिख सकता, ठीक है, और चित्र से नहीं सीख सकता, अक्षर से लिखना इसको स्टार्ट कराया जाता है। कोई आगे बढ़ते हैं, भाषा के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं, तो आप देखते हैं मैंने बार बार कहा है जब भी ELSRW की बात करें एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ELSRW रटाया था, बताया था, सिखाया था, बार बार ये बात मैंने आपको बताई थी। अब यह कहते हैं यहाँ पे क्या जवाब होगा आपका, पाठ्य पुस्तक में रचनाएं वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें क्या करते हैं, उन्हें जानने, उनसे गहराई से परखने और व्यापक अनुभव स्तर से जुड़ने का मौका मिलता है। किसका मौका मिलता है भैया, जुड़ने का मौका मिलता है, गहराई में परखने का मौका मिलता है और जानने का मौका मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर स्किनर। स्किनर मैंने कहा जब भी स्किनर की बात आएगी, ये मैंने सिखा रखा था अनुकरण स्किनर, परिवेश की बात आएगी तो आप जीन पियाजे की बात करेंगे, ठीक है, भाषा के साथ सामाजिक अंतःक्रिया की बात आएगी तो आप वाइगोत्स्की लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं सब अगले क्वेश्चन की तरफ, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए ध्यान से पढ़िए, तुमने क्या तय किया, तो आप देखेंगे बच्चा जब सोच समझकर कोई काम कर रहा है इसका मतलब वो अपने चिंतन का प्रयोग कर रहा है, ये उसके चिंतन का विस्तार है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत कहां से करेंगे, तो भैया प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत, तो हमने कहा कि भैया अक्षर ज्ञान से करेंगे नहीं, वर्णमाला से करेंगे नहीं, शुद्ध उच्चारण से करेंगे नहीं, पढ़ना सिखाना है कहां से करेंगे, तो भैया रोचक कहानी से करेंगे। पहले छोटे बच्चों को कहानियों से पढ़ना सिखाया जाता है, पहले उन्हें कहानी कविताएं पढ़ाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन, कहते हैं एक बच्चा जो है कतब लिख देती है किताब की जगह पे, तो ये उसकी अज्ञानता है, लापरवाही है, नियंत्रित लेखन है, ये जवाब नहीं होगा, तो ये हमारा स्ववर्तनी है, अपने खुद की वर्तनी है, छोटा बच्चा है, ठीक है, पहली कक्षा का बच्चा है, अपने हिसाब से लिख देता है। कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया की बात मैंने कहा, जब से ही समाज सामाजिकता ये शब्द ही आ जाए वाइगोत्स्की कर देना है, ठीक है, वाइगोत्स्की कर देना है,
तो ये आपका, ये आपका पेपर हो गया हिंदी का। एक क्वेश्चन यहाँ पे बच रहा है, भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु पर ध्यान देंगे? तो भाषा का आकलन करते समय सहज अभिव्यक्ति पे ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे भाई? सहज अभिव्यक्ति पे ध्यान देंगे। तो आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, एक बार आप देख लेंगे कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट रहा है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और ये आपका लैंग्वेज वन की बात थी, लैंग्वेज वन हो चुका है। अब आप करने जा रहे हैं लैंग्वेज वन इंग्लिश। और मेरे प्यारे दोस्तों मैम आ चुकी है, एक चीज जान लो, फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब तक पहुंचा दो। और किसके कितने अंक आए हैं इसका जवाब देते चलो फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका लैंग्वेज टू इंग्लिश। हम डिस्कस कर चुके हैं, देखो हो सकता है कि आपको एक दो क्वेश्चन में लगे मैम ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, वो हम जब कल आपके साथ डीप डिटेल एनालिसिस करेंगे तब भी आपको वो इन्फॉर्म कर देंगे हम लोग, ठीक है? लैंग्वेज वन सर, लैंग्वेज वन पहले आ गया था सर, आप एक बार लैंग्वेज वन लगा देंगे फटाफट से, क्योंकि लैंग्वेज वन जो है वही इम्पॉर्टेंट है हमारा यहाँ पे, क्योंकि हम लैंग्वेज टू तो कर चुके थे, ठीक है? तो चलिए भाई यहाँ पे शुरू कर लेते हैं गाइज। यहाँ पे लैंग्वेज वन जो है आपका इंग्लिश का जो आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे, हम पहला अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एरर कहाँ पे है? ही न्यू दैट ही विल गो बैक ऑन हिज प्रोमिस या ही विल गो बैक टू हिज प्रोमिस। ऑफकोर्स हमारे यहाँ पे जो एरर है वो हमारा डी ऑप्शन में है, तो हम यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसको क्लिक कर देंगे क्योंकि हमारे डी पार्ट में एरर है, ठीक है? अब अगर हम इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, भाई कहाँ गया ये सर, हमें आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी क्योंकि थोड़ा सा ये अटक रहा है यहाँ पे, हम इसको थोड़ा नीचे करना चाहेंगे ऑफकोर्स। तो गाइस अब अगर हम यहाँ पे, ओके सर थैंक यू, ठीक है? अब अगर हम और यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या क्वेश्चंस में दिखाई दे रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो जो इसका डी ऑप्शन है द स्वेल्टरिंग हीट कम्स टू एन एंड वाला जो आपका ऑप्शन है वो एकदम परफेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है? द अर्थ डज नॉट लुक बिफोर द ऑनसेट, पूरा का पूरा लाइन पैसेज के अंदर मेंशन थी। ऑफकोर्स वहां पे टायर्ड, क्रैक्ड और ड्रस्टी तीनों मेंशन था, पर हमारा ब्राउन जो है वो वहां पे मेंशन नहीं था, ठीक है? तो हम अकॉर्डिंगली ही सोच समझ के देख के आंसर करेंगे। चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट रेन समर बाय, बेसिकली एक वर्ड जो है वो वहां पे यूज हुआ है, वो मुझे वर्ड आपको पैसेज में जब मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी तब बताऊंगी, बट उसका करेक्ट मीनिंग था वर्ड का गिविंग शाउट्स ऑफ जॉय, जब बच्चा बहुत ज्यादा खुश है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, जब हम उसकी बात करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम आ जाते हैं 95th क्वेश्चन पे आपका। सो बेसिकली द टाइनी स्प्रिंग इशूइंग द रॉग इज हिडन बाय मेडन हेयर फर्न, मेडन हेयर फर्न स्पेसिफिक लाइन जो है वो आपकी उसके अंदर यहाँ पे मेंशन है, तो उसको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? अगर हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 96th क्वेश्चन पे जो कि आपके यहाँ पे सामने है। ऑफकोर्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ रिवर अ टाइनी ड्रॉप हैज टू, टाइनी ड्रॉप को क्या करना पड़ेगा? इट हैज टू सफर अलॉट, ठीक है? इट हैज टू सफर अलॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर पाउंडिंग, बेसिकली जब दिल धड़ धड़ बहुत तेज तेज बीट कर रहा है, बहुत तेज तेज हो रही है, तो उसके लिए हमारा एक सही वर्ड होता है, एक होता है आपका पैल्पिटेशन, क्योंकि हमारा मैंस हार्ट है वहां पे, सो दैट इज वाई वी विल यूज द वर्ड पैल्पिटेशन, क्योंकि हमें पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में यूज करना था वर्ड, ठीक है? फिर आप उसका हमें इस भाई डिसेंड का ऑपोजिट मुझे नहीं लगता कि हमें पैसेज में ढूंढने की किसी भी वे में जरूरत है। ऑफकोर्स इसका हमारा करेक्ट वर्ड हो जाएगा असेंट, ठीक है? बहुत सिंपल है यहाँ पे, ऑलमोस्ट ऑफकोर्स ना प्रोनाउन है, ना क्वालिटी बता रहा है और ना ही प्रेपोजिशन है। ऑड वन आउट निकालोगे तो भी आंसर निकल जाएगा, ऑलमोस्ट इज योर एडवर्ब, ठीक है? ऑलमोस्ट इज योर एडवर्ब। सर हम इसको थोड़ा सा, अब हमें ये वाला पार्ट छोड़ देंगे, एक मिनट सर ये वाला स्लाइड छोड़ देंगे, ये थोड़ा सेम आ गया यहाँ पे, ठीक है? अब अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट में और उसमें जाएंगे तो आपको यहाँ पे हम आगे के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हमारा आ जाता है पोम, आ जाती है यहाँ पे, ठीक है? आप लोगों को यहाँ पे पोम दिखाई दे रही होगी, एक मिनट गाइस, ओके। सो ये पोम थी आपकी यहाँ पे, अब हम पोम पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, बट ऑफकोर्स नेचर के ऊपर पोम थी जो कि बड़ा सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपके लिए एक यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो वो सेंटेंस क्या दिया हुआ है आप लोगों के लिए, आइडेंटिफाई पोम्स आर मेड ऑफ फूल्स लाइक मी। तो जब भी हम लाइक की बात करते हैं तो हम लाइक में क्या लगाते हैं सर? ठीक है थोड़ा चलेगा, लाइक आपका हो जाता है सिमिली, क्योंकि लाइक और एज में हम सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद द वर्ड माउथ, तो भाई माउथ क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? जब हम बेसिकली माउथ इज बेसिकली जब हम मुंह अंदर की बात करते हैं किसी चीज के, तो वी विल कवर इन दिस, इसमें हम रूट्स को टिक करेंगे, ठीक है? पोम आप सबके पास पेपर भी है तो आप सब लोग उस हिसाब से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है? अब अगर हम
हम ऊपर जाएंगे. अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग्स, हमारा 101, 102, 103 भी ऊपर होंगे क्वेश्चन से. एक मिनट. ओके 103. द ट्री पेज टू गॉड बाय किस तरह से भाई लिफ्टिंग हर आर्म्स, ये स्पेसिफिक लाइन आपकी पैसेज के अंदर मेंशन थी. ठीक है, फिर अगर हम और आगे देखते हैं यहाँ पे तो भाई नेम द आई थिंक हमारा एक क्वेश्चन रह गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. अल्टीमेटली हमें पूछा है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है. ठीक है, द आपका नॉट ट्रू आएगा भाई, रेन के साथ भी है. सिंबल द ट्री सिंबलाइजेस स्ट्रेंथ एंड अबिलिटी. स्ट्रेंथ और अबिलिटी की बात यहाँ पे किसी भी तरह से नहीं की गई है, तो हम इसका थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे. भाई लाइन 3 और 4 में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी लाइन 3 और 4 है. ठीक है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे सही आंसर, मेरे हिसाब से मानवीकरण किया गया है, तो हम उसको पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे टिक करेंगे. आई गेस हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे नीचे रह गया था, वो आपका क्वेश्चन यहाँ पे जो रहा था वो 102 रहा होगा. बिल्कुल ये वाला आपका क्वेश्चन रह गया था. सो ऑफकोर्स आपका 102 क्वेश्चन जो है इसका आंसर एक्सप्रेसिंग इट्स लव फॉर इट आपका परफेक्ट आंसर होना चाहिए. कल हम और इन डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है भाई, आपका पहला क्वेश्चन 106 क्या आंसर होना चाहिए. भाई सही बात है, असेसमेंट प्रोसेस सिर्फ स्टूडेंट को असेस नहीं करता बट टीचर की टीचिंग प्रोसेस को भी असेस करता है. आई टोटली अग्री विद दिस, इट शुड बी फुल्ली राइट. देखो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन दिया है आप लोगों को यहाँ पे. ठीक है, अब अगर हम इसके 10 नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 107 पे, तो हमें यहाँ पे क्या दिखता है, सिंपल क्वेश्चन पूछा है. जो चीज आप अपने एनवायरमेंट से सीखते हो, क्या करते हो, जो चीज आप अपने एनवायरमेंट से सीख रहे हो वो आपकी क्या कहलाएगी. ऑफकोर्स दैट विल ऑलवेज बी योर फर्स्ट लैंग्वेज. ठीक है, क्योंकि एक्विजिशन नहीं दिया है. ये जो पूछा है पुअर स्पेलिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एक्शन रिसर्च हो रहा है, एक्शन रिसर्च हो रहा है. ठीक है, रीडिंग पिक्चर बुक्स मीन्स रीडिंग पिक्चर बुक्स, आप बुक पिक्चर बुक्स को रीड कर रहे हो. ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, दैट चिल्ड्रन लव, हम यहाँ पे बच्चों के लव या किसी की बात कर रहे हैं, कोई एनालिसिस की बात कर रहे हैं, क्या हम किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ऑफकोर्स ये बात है बेसिकली बच्चा बुक्स को एनालाइज कर पाए, बच्चा बुक्स को अंडरस्टैंड कर पाए, वो चीज़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा. ठीक है, अब अगर हम और यहाँ पे बात करते हैं आपके, एक मिनट सर. सो बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर अ टीचर शुड फर्स्ट फोकस ऑन, ऑब्वियसली बात है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो आपका इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो एकदम परफेक्ट है. ये सेट जो भी हो आपको पता होगा इसके बारे में, जो भी आपका सेट आया होगा, बेसिकली यू विल रीड अ स्टोरी. आप क्या करोगे, स्टोरी को रीड करने की कोशिश करोगे और अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से ज़्यादा आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो आपका इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो एकदम सही बात है. ठीक है, अब हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं. ओके सो वी विल मूव टूवर्ड्स दिस साइड एट द टॉप एंड हियर वी गो. बहुत बढ़िया. द टीचर आस्क लर्नर्स टू अलाउ, जोर जोर से बच्चों को पढ़ना है. इसलिए पढ़ेंगे ताकि उनकी रीडिंग स्किल्स को वो डेवलप कर सके और वो समझे भी. जोर जोर से जब बच्चा पढ़ता है तो वो अपनी बात को खुद समझता है और सीखता है, तो बेस्ट ऑप्शन हमारा यह सही है. देखो प्रोनंसिएशन पंचुएशन मार्क्स तो है ही, बट हमारे पास बेटर ऑप्शन था. ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, बच्चे आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बच्चों की हम BICS लैंग्वेज 2 में भी आया था और सेम क्वेश्चन आपका लैंग्वेज में भी आया है, हम BICS की यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है, लिटरेचर किस चीज़ में होनी चाहिए, हम लिटरेचर की यहाँ पे बात करते हैं, तो लिटरेचर का हम क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे. लिटरेचर का देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है आपको कि भाई लिटरेचर मेजरली क्या करेगा, ग्रामेटिकल फॉर्म्स तो ठीक है बट इट विल एक्सपोज देम टू डिफरेंट जॉनर्स कल्चर. क्योंकि अगर आप इंडिया में रह के अमेरिकन लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर के बारे में पढ़ रहे हो, सो योर बेस्ट आंसर शुड बी दिस. अब सर हम इसको भी थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करेंगे, तो हमने यहाँ पे इसको भी सीधा कर दिया, बहुत शानदार. ठीक है भाई, फिजिकल रिस्पॉन्स है तो ऑफकोर्स इट विल बी योर आप टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स. बच्चे एक्शन एंड स्पीच ओनली बाय बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू कर रहे हैं, सो ऑफकोर्स इट्स द फिजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द चिल्ड्रन. ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे ड्रिलिंग हो रही है, और जहाँ पे भी ड्रिल और प्रैक्टिस की हम बात करते हैं वो भी प्रोनंसिएशन के केस में, तो वो मेरा ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है. ये हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे नया. ठीक है, ओरल एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी बेस्ट करेक्टेड बाय, बच्चे वर्बली आपको बच्चों के एरर्स करेक्ट करने हैं. ठीक है, कोई पीयर ट्यूटरिंग नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे इग्नोर भी नहीं करोगे आप बच्चों को.
आप जनरल तरीके से बच्चे को एरर करे करेगा ताकि बच्चा खुद कनेक्ट कर सके, या फिर यू विल करेक्ट एरर डायरेक्टली आफ्टर द स्टूडेंट हैज मेड एरर। अगर हम बार बार बच्चों का एरर करेक्ट करेंगे तो बच्चा कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगा बोलते समय। सो फर्स्ट आप उसको पूरा कंप्लीट करने दोगे, फिर कुछ जनरल बताओगे ताकि वो खुद अपना क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू एनालाइज करके अपना आंसर सही बता सके। ठीक है, तो हम ऑफकोर्स इस चीज पे पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगला सवाल आपका यहाँ पे है, एज अ पेयर एक्टिविटी, पेयर एक्टिविटी हो रही है और यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, तो ये मेरी जनरल स्पीकिंग एक्टिविटी कहलाएगी। पेपर लैंग्वेज वन के हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन पूछे, राइटिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन मैंने अभी अभी देखा, मनीष सर ने भी आपको कराया, और अंग्रेजी में राइटिंग प्रॉब्लम जहाँ पे भी होती है उसे हम डिसग्राफिया बोलते हैं, क्योंकि ग्राफिक्स हम राइटिंग को लेकर रिलेट करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। अब यहाँ पे मुझे बताइए क्या हो रहा है, रूल्स, रूल्स विच गवर्न द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, तो रूल्स गवर्न कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियस ही बात है रूल्स हमारा की वर्ड है यहाँ पे, विच इज योर सिंटेक्स, सिंटेक्स की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, और हमारा अब लास्ट क्वेश्चन है, टीचर ने भाई बच्चों को, सर आप इसके अंदर आएंगे, हम शिवम सर के साथ अपना सेशन एंड करना चाहेंगे ऑफकोर्स। सो अ टीचर ऑफ क्लास सिक्स हैज लेबल्ड द क्लासरूम ऑब्जेक्ट सच एज ब्लैक बोर्ड, डोर, विंडो, फैन, मतलब टीचर ने लेबल कर करके लिख दिया सब जगह, ठीक है, अलग अलग भाषाओं में। हियर द क्लासरूम क्या है एज अ होल, अ रिच रिसोर्स फॉर प्रमोटिंग मल्टीलिंग्वलिज्म, इज लर्निंग थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तो नहीं है, इज क्रिएटिंग अ लैंग्वेज कन्फ्यूजन, नो, इज फोकसिंग ऑन थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, भाई हम हमारे पास यहाँ पे चार भाषाएं लिखी है तो हम थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला पे भी नहीं जाएंगे कोठारी कमीशन। बेसिकली रिच सोर्स है जहां पे हमारा मल्टीलिंग्वलिज्म जो है जिसको हम बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हम टीम को बुलाना चाहेंगे एक बार हमारी, कि भाई यहाँ पे जो आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे, जो आंसर्स आपको सटीक मिले, ठीक है, सटीक मिले 117 का, एक मिनट देख लेते हैं भाई, अगर आपको लगता है 117 का, एक बार ऊपर चल के देख लेते हैं, नहीं 117 का हमने आपको आंसर यहाँ पे बता दिया, तो आपका आंसर था इसका स्पीकिंग एक्टिविटी, क्योंकि वहां पे कम्युनिकेशन हो रहा था इसीलिए। ठीक है, कोई क्रॉसवर्ड एक्टिविटी नहीं कहलाएगी, चाहे बच्चे पीयर्स में भी है, दो बच्चे भी हैं तो भी ये क्रॉसवर्ड्स एक्टिविटी डिफरेंट चीज होती है, यहाँ पे कम्युनिकेशन ही हो रहा है। ये क्वेश्चन हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे सर के साथ, स्पीकिंग और एक दो सवाल भगवान के भरोसे भी छोड़ दो, क्या पता तुम्हारा सही हो जाए। आ जाओ सर, देखो भाई इस वीडियो को पीछे करके आप सारे आंसर्स देख सकते हो, 99% क्वेश्चंस की गारंटी लेते हैं हम, क्योंकि देखो जब प्रेशर रहता है मन पे कि सोल्व करके दो सोल्व करके दो, तो एक आधा शब्द आगे पीछे हो भी जाता है, लेकिन आपको ये है कि इतना है, अगर आपके मान लिया भाई आप 100 सवाल करके आए हो तो 95 यहां से चेक हो जाएंगे सर, 5 सवाल सबके मिला के हम बोल देते हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे है। ठीक है, बाकी भाई इतना ही कर सकते थे आप सबके लिए। पेपर 2 में मिलेंगे मैडम, बिल्कुल, और भाई लोगों ने जब तक शेयर करना तो बनता है, और एक ये बात सबको बता देना कि जिसने लाइक नहीं किया सर, वन की इन सब टीचर्स ने कैसा पढ़ाया था तुम्हें और पेपर में कैसा आया, ठीक, ये कमेंट करके हमें जरूर बताना, क्योंकि वही हमारे लिए तुम्हारे लिए पेपर था, हमारे लिए तुम्हारे फीडबैक। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज पेपर में आई हो जो हम लोगों में से किसी ने नहीं पढ़ाई, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ नया नहीं, इस बार तो सर मुझे कुछ भी ऐसा नया दिखा ही नहीं। डेली बेसिस वाले क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बहुत आसान आसान केवल पूछे गए थे, बिल्कुल। तो अब इसी के साथ बाय बाय, अब मिलेंगे 4:45 पर। सर बताओ आप, सर आप बताओ, तो भाई आप लोगों में से सभी लोगों का ऑब्वियसली पेपर अच्छा गया ही होगा, तो कुछ चीजें जैसे कि कुछ बच्चों की रह गई होगी, है ना, तो उनके लिए भी एक अनअकैडमी के लिए अगली बार के लिए एक बड़ी ही प्यारी चीज है, तो आयुष सर आपको बताना चाहते तो भाई जिन लोगों का 120-130 आ गया है तो उन लोगों के लिए तो देखो आयुष सर का सुपर टेट का बैच चल रहा है, और 1 तारीख से माधवी मैम का, महेंद्र सर का, मनीष सर का, निखिल सर का, सबका यूपी टेट का बैच आ रहा है, तो भाई उस बैच में आ जाओ सभी लोग। अब सीटेट हो गया, सर ये बैच अब तैयारी रह गई आप लोगों की। देखो भाई यूपी टेट का बैच जो है वो 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, सारी टीम एक साथ है, एक जिस तरह से धुआंधार परफॉर्मेंस सीटेट में रहा है उसी तरह का धुआंधार परफॉर्मेंस आप लोगों का यूपी टेट में रहना चाहिए। दो बैच हो रहे हैं, कोई सा भी पढ़ सकते हैं, कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पास अनअकैडमी में ये नहीं होता है कि बैच वाइज आना है, कुछ भी पढ़ लो, जो तुम्हारा मन करे वो पढ़ लेना। इसके बाद भाई ये अब अभी से 5 जुलाई तक के लिए आपके पेपर आ गए, मतलब जुलाई में एक्सपेक्टेड नए सीटेट का पेपर है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 के बैचेज में एनरोल कर सकते हैं जो अभी स्टार्ट होने वाले हैं।
4 तारीख से और 5 तारीख से सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 स्टार्ट होने वाले हैं। ये दोनों बैचेस आप जाके एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट सीटेट के लिए 5 से 6 महीने के बैच होंगे। बहुत बढ़िया तैयारी आपकी इनमें हो जाएगी। एमपीटेट की भी होगी, सब चीजों की होगी और अलग अलग फीस नहीं होगी। ये मैं फिर से आपको बता दूं, फीस एक ही होती है। देखो सब्सक्रिप्शन प्लान होता है कि आप उतने दिन के लिए, कि सर मुझे इतने दिन पढ़ना है, अब तुम्हें टीचर बनना है, उस टीचर बनने में कोई भी पेपर आए, हम ये भेद क्यों करेंगे कि इसके लिए पढ़ा दें उसके लिए पढ़ा दें, ऐसा कुछ नहीं है। तुम सिर्फ एनरोल करो कि सर मुझे 6 महीने पढ़ना है, भाई 6 महीने में चाहे कोई पेपर आ जाए वो हमारी जिम्मेदारी है पढ़ाना। ये फीस है, हम बैच के नाम पे अलग अलग फीस आपको कुछ नहीं बताएंगे। आप कितने दिन तैयारी करना चाहते हो, मेरे हिसाब से जो बच्चा नया है 2 साल एटलीस्ट लगते हैं सरकारी टीचर बनने में कम से कम। कोई ये कहे 3 महीने में बनवा दूंगा, 3 महीने में तो फार्म ही नहीं आते। तो आप 6000 वाला वो लेगा जिसका प्री एग्जाम्स मतलब क्वालिफाइंग एग्जाम आपने क्लियर कर रखे, जैसे एम पी टेट है, सी टेट है, यूपी टेट है, टेट के जो एग्जाम है वो क्लियर कर रखे हैं, तो वो 1 साल वाला ले लेगा। ये डिस्काउंट के बाद 4800 पड़ता है, ये 5800। अब जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब।